ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरांधश ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। हरे कृष्णा। तो पुनः आप सबका स्वागत है इस सत्र में। भगवान राम के दिव्य चरित्र का वर्णन हम पिछले 7 दिनों से कर रहे हैं और भगवान राम का ऐसा ये चरित्र है जिसको श्रवण करने के लिए पार्वती देवी भी सदैव लालायित रहती हैं और जिसका वर्णन करने के लिए साक्षात वैष्णवानाम यथा शंभु। भागवत में वर्णन आता है कि वैष्णव में जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है या भगवान के भक्तों में जो सर्वश्रेष्ठ है ऐसे शिवजी या महादेव वो भी भगवान राम की चर्चा या राम की कथाओं को अपने जिह्वा से वर्णन करने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। तो ऐसे महान आचार्य सती या पार्वती और शिवजी हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं बल्कि इस भौतिक जगत का स्वामित्व उनके पास है। इस भौतिक जगत की अध्यक्ष का जो स्वामिनी है वो पार्वती हैं लेकिन सदैव भगवान के लीला कथाओं को सुनती हैं और उनके जो पति हैं शिवजी सदैव ऐसे दिव्य लीला कथाओं का वर्णन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कलयुग के जीवों के लिए जैसे मैंने पहले दिन कहा था कि भवसागर को पार करने के लिए एक सरल नाव का सहारा लेना चाहिए और वो सरल नाव क्या है? भगवान के दिव्य चरित्र का श्रवण। ये नाव इतनी बलशाली है इस भवसागर के कितने ही ना तूफान आ जाए कुछ भी आ जाए लेकिन फिर भी ये नाव कभी डूबती नहीं है। और जो व्यक्ति भी ऐसे भगवान के दिव्य चरित्र का श्रवण की ये जो नाव है इसका आश्रय लेता है तो आचार्यगण कहते हैं कि निश्चित रूप से वो भगवान के चरण कमलों में पहुंच जाता है, उसमें कोई दूसरी वार्ता नहीं है। तो ऐसा ही भगवान राम का चरित्र है जिन्होंने स्वयं लवकुश के द्वारा श्रवण किया है और वास्तव में हम श्रवण कर रहे हैं लवकुश के माध्यम से। हम लवकुश बोल रहे हैं और भगवान राम सारे अयोध्या वासियों को श्रवण करा रहे हैं। तो ऐसा जो राम का चरित्र कल हमने चर्चा की थी सीता का हरण होकर किस प्रकार से हनुमान और आदि वानर सेना वहाँ पहुँच जाती है
समंदर के तट पर, जहाँ जटायु के जो भ्राता है संपाति उन्हें मिलते हैं, और संपाति कहते हैं जब उनको पंख प्राप्त हो जाते हैं तो संपाति तुरंत ऊंची आकाश में पहुंच जाते हैं और वहां से देखते हैं कि मेरे पास विशेष योग्यता है, तीक्ष्ण मेरी दृष्टि है, जिसके द्वारा मैं लंका को यहाँ से देख सकता हूँ, बल्कि जो लंका 100 योजन दूर थी। तो ऐसे संपत्ति ने कहा कि मैं देख रहा हूँ सीता देवी को एक वृक्ष के नीचे वन में वो निवास कर रही है, क्या आप में से कोई है जो इस 100 योजन समुद्र को लांग कर जा सकता है? तो अलग अलग सबने अपने अपने कैपेसिटी बताई और फिर फाइनली हम देखते हैं कि हनुमान तत्पर हो गए उस पर जाने के लिए। जांबवान ने उनको याद दिलाया कि हनुमान आप तो पवन पुत्र हो और सबसे आप साधारण कपि नहीं हो, साधारण वानर नहीं हो, आप एक विशेष हो और भगवान राम की सेवा के लिए आपको विशेष रूप से चुना गया है। अब देखो लाखों की संख्या में अलग अलग जो वानर हैं वो अलग अलग दिशाओं में गए थे, लेकिन भगवान जब ये सब निकल रहे थे तो किसी को अपने पास नहीं बुलाया, लेकिन किसको बुलाया? हनुमान को बुलाया, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे हनुमान ये सेवा करने के लिए सक्षम है। बल्कि ऐसे हनुमान को भगवान ने आशीर्वाद भी दिया और अपनी जो मुद्रिका है, जो अंगूठी है, वो भी हनुमान के पास दी और उन्होंने ये कहा कि आप निश्चित रूप से सफल होकर वापस आ सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके पूर्व उनको दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, लक्ष्मण का भी प्राप्त हुआ था आचार्य के रूप में, और दूसरा साक्षात भगवान राम के द्वारा जाते समय उनको आशीर्वाद प्राप्त हो गया था। तो हमने कल ये भी चर्चा की थी कि हनुमान पूर्ण अपनी शक्ति सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए महेंद्र गिरी पर चढ़ जाते हैं और वहां से छलांग लगाते हैं और वहां लंका का जो लंका में पहुंच जाते हैं। रास्ते में अलग अलग जो 3 मैनाक पर्वत है, सुरसा है, छाया ग्रहिणी जो राक्षसी है, वहां से निकलते हुए कल हमने यहाँ तक समापन किया था कि उन्होंने लंका को देखा दूर से और वो सोचने लगे कि ऐसे नगरी का राजा रावण है, लेकिन वास्तव में अभी उसके भाग्य के अनुसार वो जीवित नहीं रहेगा और अपने मृत्यु को उसने आमंत्रित किया है। तो ऐसे हनुमान दूर से लंका को देखकर सोच रहे थे और रावण की निंदा करते करते उस लंका के मेन द्वार की ओर पहुंचते हैं और उन्होंने ये भी सोचा कि मैं यदि अपना बड़ा बलशाली रूप धारण करूंगा तो मेरे लिए अत्यधिक कठिन होगा लंका में प्रवेश करना, असुरगण मुझे देख लेंगे और मुझे मार भी सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही छोटा रूप धारण किया। छोटा रूप धारण करके वो निकलते हैं, उस महाद्वार में पहुंचते हैं और लंका का वो महाद्वार जिसको उत्तर द्वार कहा गया है, तो उन्होंने वहां देखा कि एक भयंकर आकार वाली एक राक्षसी खड़ी थी और वास्तव में वो लंका की अधिपति थी एक प्रकार से। तो ऐसी जो लंकिनी है उसको देखा तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि मानो कोई व्यक्ति निधि लेके आ रहा है, मतलब निधि मीन्स खजाना किसी का चुरा रहा हो और बाहर चुरा कर आता है तो किसी भूत को बड़ा खड़े होते देखता है, तो उसी प्रकार भूत के समान ये जो लंकिनी है वहाँ खड़े थे। और हमने कल ये भी चर्चा की कि लंकिनी ने कई प्रकार के प्रश्न पूछे कि हे वानर आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या आपका कार्य है, तुम्हें किसने भेजा है? तो हनुमान ने एक भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि प्रत्युत्तर में हनुमान ने उनको वही सारे प्रश्न पूछे और उनसे पहले उत्तर की आकांक्षा रखी। लंकिनी ने सारे उत्तर दे दिए। लंकिनी ने कहा मैं लंकिनी हूं और लंका की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और पराये व्यक्ति को मैं इसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं प्रदान करती हूँ और तुम यदि प्रयास करोगे तो तुम्हें मैं टुकड़े टुकड़े करके मार डालूंगी।
तो हनुमान बड़े विनम्रता से कहते हैं, हे नारी, हे नारी, मुझे नगर देखने के लिए जाने दो, मैं तो केवल नगर देखने आया हूं। तो कहते, कैसे जाओगे, मेरे हाथ से बच के जाओगे तभी तो जाओगे। हाँ, तो उस प्रकार से लंकिनी, ये भी सुना था हमने कि फिर लंकिनी क्या करती है, पहले तो वो हनुमान को मारती है छाती में, और फिर हनुमान सोचते कौन से हाथ का इसके इसको खींच के लगाऊं। तो वाल्मीकि मुनि वहां लिखते हैं, हनुमान ने दो चीजें सोची कि दाहिने हाथ से मारूंगा तो इसी समय मर सकती है। कहते ये स्त्री है और स्त्री बड़ी कोमल होती है, तो दाहिने हाथ से नहीं मारूंगा, उल्टे हाथ से मारूंगा तो थोड़ा सा बच सकती है। तो उन्होंने उल्टे हाथ का घुमा के मारा, और दूसरी जगह यह भी वर्णन आता है कि छाती में उसको किक मार दी उन्होंने, और उसकी सारी शक्ति जाती रही, और मूर्छित होकर ये लंकिनी क्या करती है, गिर पड़ती है, और फिर वो हनुमान के प्रति बहुत सद्वचन बोलती है, भगवान राम के प्रति सद्वचन बोलती है, और उनको कहती है कि आप अवश्य गमन कीजिए, आइए अंदर प्रवेश कीजिए। तो पहली बार लंका के धरती पर मानो उन्होंने प्रवेश किया था, हनुमान ने अपना जो दाहिना कदम है वो उन्होंने रखा था। कल यदि आपको याद होगा, तीन अलग अलग समंदर को पार करते हुए तीन अलग अलग स्थितियों से गुजरे थे। एक मैनाक पर्वत हो गया था, फिर जो एक सुरसा राक्षसी है, और फिर जो छाया ग्रहिणी राक्षसी है, इनको पार करते हुए हनुमान गए थे। तो इन तीनों से भी हमने शिक्षा प्राप्त की थी। तो वास्तव में लंकिनी से भी एक विशेष महत्वपूर्ण का शिक्षा, महत्वपूर्ण शिक्षा हमें आचार्यगण देते हैं। कहते हैं ये लंकिनी कि किस चीज का प्रतीक है, हमारे रिश्तेदार संबंधी आदि है उनका प्रतीक है। कोई व्यक्ति जब भक्ति में लग जाता है, तो भक्ति में लगता है तो घर वाले कहते हैं कुछ काम धंधा है नहीं, ये बेड़ हरे नाम, ये हरे कृष्णा क्या लगा के रखा है, बार बार मंदिर जाते रहते हो, बार बार कथाएं सुनने जाते हो, जब देखो तब किताब लेके बैठते हो, कभी प्याज नहीं खाना, कभी चाय नहीं पीना, कभी ये नहीं करना, मूवी देखने नहीं जाना, कहते क्या लगा के रखा है। तो ऐसी है लंकिनी की भांति बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं, और भक्ति में प्रवेश करने से रोक देते हैं ये लोग हमें, कहते इसको हमें प्रवेश नहीं करना है। तो फिर आचार्यगण कहते ऐसे रिश्तेदार, माता पिता, बंधु भाई, इनके साथ क्या करना चाहिए, हाथ मतलब मारना नहीं चाहिए उनको, लेकिन क्या करना चाहिए कि उचित रूप से उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए, और हमें जानना चाहिए कि वास्तव में जो हमें राम की ओर नहीं जाने देता वो सारे किसके रिश्तेदार हैं, ये लंकिनी के हैं, रावण आदि के हैं। तो इस प्रकार से हमें आचार्यगण कहते हैं कि व्यक्ति को घर के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, बंधु बांधव हैं, वो हमेशा ऐसा रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें हनुमान के भांति दृढ़ होना चाहिए और लंका में घुसने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से हनुमान लंका में प्रवेश करते हैं, और हनुमान अंदर जाते हैं, तो अंदर जब गए तो उन्होंने देखा मुझे रक्षक तो देख सकते हैं, तो उन्होंने किले दीवारों इधर उधर जंप लगा लगा के चढ़ने लगे, और उनकी एक ही कार्य था, सीता का अन्वेषण करना, सीता की खोज करना। जिस कार्य के लिए वो निकले थे, बीच में कितनी बाधाएं आ गई, लेकिन हनुमान वो कार्य भूले नहीं, आगे भी हम देखेंगे। उसी प्रकार से व्यक्ति जब भक्ति में आता है, शुरुआत में सोचता है भगवान आप और आपकी प्रेमा भक्ति, अनन्य प्रेमा भक्ति ही करूंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जैसे भक्ति में लगता है, कुछ दिन बीतते हैं, साल बीतते हैं, धीरे धीरे जिस कार्य के लिए वो भक्ति में जुड़ा था, भगवान की शरण ग्रहण की थी, वो धीरे धीरे क्या होता है, भूल जाता है, भगवान की खोज को अपने जीवन में भूल जाता है, और भौतिक कामनाओं की पूर्ति में लगता है। लेकिन हनुमान का क्या है, हनुमान ऐसे वातावरण में आए
लेकिन कदापि हाँ राम की जो सेवा है उसको भूले नहीं अपने जीवन में, इसलिए तो वह हनुमान है। तो ऐसे हनुमान ने सोचा इतनी विशाल ये लंका नगरी है, यहाँ में सीता देवी को कहाँ कहाँ ढूंढो। सारे मार्गों में चलने लगे, वो बाजारों में गए, चौपालों में गए, गोपुरों को देखने लगे, मंदिरों के ऊपर चढ़े, घर घर में ढूंढा, मंडपों में गए, अंतपुरी में घर के अंदर के स्थानों में भी गए, अश्वशाला में गए, रथशाला में गए, जहाँ शस्त्र आदि रखते थे वहां गए, जहाँ मणिमय बड़े बड़े महल होते थे उसमें चले गए, और फिर विभीषण के महल में भी गए। जब उसके पास गए विभीषण के महल के पास, तो उसको उनको आवाज आने लगी, राम राम राम। क्या आवाज आने लगी? जो उन्होंने कहा रहे ऐसे आसुरी के आसुरी स्थान में भी कोई राम का नाम कैसे उच्चारण कर सकता है। तो ये वहां रुक जाते हैं, रुक कर देखते हैं कि एक साधु व्यक्ति यहाँ है। देखो विभीषण, हम सोचते हैं कि हमारे लिए भक्ति नहीं हमसे हो रही है, बहुत कष्ट है, लेकिन वास्तव में हम तो ऐसे स्थान में रह नहीं रहे हैं जैसे रावण की लंका थी, जो प्रतिकूल स्थान था भक्ति के लिए। लेकिन जो विभीषण थे, चाहे वातावरण, स्थान, रिश्तेदार कोई भी क्यों ना हो, लेकिन विभीषण भगवान राम की भक्ति से एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए। बल्कि एक वर्णन आता है, जब ये रावण उनके पास जाते, विभीषण के पास उनके घर में जाके देखते हैं कि विभीषण ने तो पूरे घर के दीवारों में क्या लिखा था, राम का नाम लिखा था। अभी ये जो रावण है, इसने सोचा कि ये मेरे शत्रु का नाम सब जगह इन्होंने अंकित कर रखा है। तो रावण को गुस्सा आ जाता है, कहते है क्यों अपने राम का नाम क्यों लिखा है सब दीवारों में, आपके महल के कोने कोने में। विभीषण बहुत बुद्धिमान है, इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, जयी जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर, हरि नाम कृष्ण नाम बड़ा ही मधुर, जयी जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। शास्त्र कहते हैं कि हरि नाम या भगवान का नाम बहुत स्वीट है, मधुर है, और जो ऐसे हरि नाम का भजन करते हैं या भगवान का भक्ति करते हैं, ऐसे कृष्ण के राम के भक्त है, वो बहुत बड़े चतुर है। तो ऐसे ही चतुर विभीषण है। जब रावण ने पूछा मेरे उसका नाम शत्रु का नाम सब जगह अंकित है, तो उन्होंने कहा है बड़े भ्राता, कैसे संभव हो सकता है, आपसे मेरे प्रति अनमोल है जिसकी कोई तुलना और मोल नहीं किया जा सकता। आपको लग रहा होगा ये राम का नाम अंकित किया है दीवारों पर, लेकिन नहीं नहीं, ये क्या है, मेरा इतना अधिक प्रेम आपके प्रति है और भाभी के प्रति है, मंदोदरी के प्रति। जो ये अगला शब्द देखते हो रा, ये किसको संबोधित करता है, रावण, और म किसको संबोधित करता है, मंदोदरी। रावण इतने आनंदित हो गए, कहते जीवन में भाई होना चाहिए तो किसके जैसा, ऐसे विभीषण जैसा, जो अपने बड़े भ्राता का इतना आज्ञाकारी है, मानो सदैव अपने बड़े भ्राता का कल्याण या उपासना में लगा है और उसके हित के लिए उनको सदैव उनके नाम के रूप में अपने आगे रखता है। लेकिन ऐसे नहीं था। जब हनुमान ने देखा हरि नाम ले रहे हैं, तो हनुमान आनंदित हो जाते हैं, और उन्होंने जब रात्रि का समय हो गया था, तो सब स्थानों में सीता की खोज करने लगे। तो विभीषण के वहां से आतिकाय, देवान तक, और जो त्रिशर है, कुंभकर्ण है, इंद्रजीत है, कुंभ निकुंभ, जितने भी ये सारे बड़े बड़े योद्धा आदि थे, इनके महलों में भी सीता देवी को जाकर देखा। दैत्यों के जितने निवास थे वहां सीता देवी को देखा, लेकिन उनको कहीं भी सीता देवी नजर नहीं आती है। और फिर जहां स्त्रियां रहती थी वह उनके अंतपुरों में जाकर इन्होंने देखना शुरू किया, जहां उन्होंने देखा कई प्रकार के राक्षस थे, किसी का एक कान है तो किसी के पांच कान है, किसी का एक आंख है तो किसी की 10 आंखें हैं, किसी का नाक नहीं है, ऐसे चित्र विचित्र राक्षस देखे हनुमान आश्चर्य हो रहे थे। हनुमान ने देखा किसी की एक भुजा है तो किसी की 1000 भुजाएं हैं, किसी का एक शेर सिर है तो किसी के और कई सारे सिर हैं।
तो हनुमान ऐसे देखते देखते ढूंढते ढूंढते सीता को और पूरे छोटे छोटे स्थानों में भी देखा। फिर जब वो फाइनली जहां रावण निवास करता था, रावण के अंतपुर के निकट गए जहां द्वार पर सशस्त्र राक्षस थे, फिर भी बहुत सरलता से उन्होंने पार किया। कहने का तात्पर्य है, गुरु आपको जब सेवा प्रदान करते हैं तो एक बड़ी स्थूल आज्ञा देते हैं। हाँ, जैसे प्रभुपाद ने शिष्यों को कहा कि मेरे पुस्तकों का वितरण करो, प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि ऐसी ट्रिक बनाओ, ऐसी ट्रिक लगाओ कि वितरण हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें क्या करता है, भक्त अपनी बुद्धि से सोचता है और भगवान की सेवा में नियुक्त होता है। तो हनुमान ने अपनी बुद्धि लगाई और छोटे छोटे सभी स्थानों में गए, अलग अलग प्रकार से अपनी बुद्धि लगाकर सीता की खोज करने का प्रयास किया। सारे सभा मंडपों को देखा जहां रानियां निवास करते थी, वहां देखा और अभी रात्रि हो गई थी। तो ऐसे रात्रि का वर्णन वाल्मीकि मुनि ने बहुत ही अच्छे से किया है। वो कहते हैं अभी अंधेरी रात्रि में जहां घुस रहे थे हनुमान, अभी उनको मानो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सही ढंग से। तो उस समय एक बड़ी अद्भुत घटना होती है। तो वाल्मीकि लिखते हैं, समुद्र में ज्वार उत्पन्न करते हुए, कमल के समूह को मुकुलित करते हुए, मदमत्त चक्रवात पक्षियों को विराग्नि से पीड़ित करते हुए और मनमत के प्रताप को बढ़ाते हुए, मुग्धा स्त्रियों के चित्त में चंचलता उत्पन्न करते हुए, घने अंधकार को नष्ट करते हुए और चंद्रकांत शिलाओं को पिघलते हुए, प्रेम प्रेमिकाओं का मिलन संपन्न करते हुए, अपनी आभा से सारे दिशाओं को आलोकित करके मनमत के जो ससुर हैं और नक्षत्रों के जो अधिपति हैं, ऐसे चंद्रमा का उदय हो गया, मानो लंका में हनुमान की सहायता के लिए देवताओं ने मशाल जलाई हो। इसको कहते काव्य। कि इतना मतलब रामायण जरूर आप सबको पढ़ना चाहिए। इस कथा के बाद आप जब भी समय मिले जाकर रामायण पढ़ लीजिए, फ्रेश है दिमाग मन हृदय। तो ये जो रामायण है इतना मधुर इतना स्वीट है, जिसकी रचना कि आपका जो हृदय है बीच बीच में पिघलेगा भी और हर्षोल्लास से आनंदित हो जाएगा, ऐसा ऐसा वर्णन भगवान राम और उनके चरित्र का किया है। तो हनुमान ने सोचा कि कितना मेरा महद भाग्य है, सेवा करने के लिए आया लेकिन लाइट चली गई थी। तो मानो चंद्रमा आ गए, देवताओं ने मानो मशाल लगा दी हो, पूर्णिमा का चांद सब प्रकार से अपना प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार से सब आलोकित कर दिया लंका को। और फिर चंद्रमा को देखकर हनुमान हर्षित हो जाते हैं। फिर हर्षित होकर देखा सामने पुष्पक विमान है और उस पुष्पक विमान में कई सारी सुंदरियां मद्यपान शराब आदि पीकर मदमस्त थी, जिनके केश शिथिल पड़े थे और ये भी वो कहते हैं उनके सांसे सुगंधित सांसे उनके चल रहे थे, उनके जो नुपुर है अभी शांत हो गए थे, उनके केश की वेनियां खुल गई थी, उनके गले में जो पुष्प माला थी वो सारे टूट चुके थे। ऐसा हनुमान ने देखा और हनुमान सोचने लगे कि मैं राम की सेवा के लिए आया हूँ, सीता को ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ इतनी चीजें देखनी पड़ रही है और विशेष रूप से पर स्त्रियों को देखना पड़ रहा है। किसी ने तो वस्त्र अपने शरीर पर डाले हैं तो किसी ने वस्त्र नहीं डाले हैं। हनुमान कहते हैं, हनुमान ऐसा वातावरण ऐसे राक्षसी स्त्रियों को देखकर थोड़े से दुखी हो जाते हैं, लेकिन हनुमान प्रार्थना करते कि हे स्वामी, हे राम, मैं यहाँ केवल आपकी सेवा के लिए आया हूँ और आपकी सेवा करते हुए मुझे इस प्रकार से स्त्रियों को वस्त्रों से रहित देखना पड़ रहा है, लेकिन मेरे मन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं है। तो इस प्रकार से वो राम जी को और प्रार्थना करते हैं और उन स्त्रियों के झुंड में घुस जाते हैं। वाल्मीकि कहते इतनी स्त्रियों के झुंड के झुंड पड़ी थी वहां रात्रि में, मदमस्त होकर उनके झुंड में जाते और देखते नजदीक, अरे सीता तो नहीं है, ये सीता देवी तो नहीं है,
ऐसे हनुमान भ्रमण करते करते देखा और उन्होंने देखा सीता देवी तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक बड़े रत्न वेदी पर, बड़े से पलंग पर रावण को सोते हुए उन्होंने देखा। और रावण निद्रिस्त है और वो राक्षस राज के इर्द गिर्द बहुत सारे स्त्रियां हैं जो गंधर्व देवलोकों की स्त्रियां हैं जो उनकी सेवाओं में लगी हुई हैं। कोई पंखा चल रही है तो कोई उनको मसाज कर रही है, तो कई प्रकार से सारे ऐसे देवलोक गंधर्व लोक आदि की जो स्त्रियां हैं रावण की सेवा में नियुक्त थी। कुछ तो अपने कंकनों का आवाज कर रहे थे, कुछ उनको चामर डुला रहे थे, कुछ गीत गा रहे थे, कुछ साथ साथ नृत्य कर रहे थे और कोई उनको सुलाने के लिए कुछ और ये कार्य कर रहे थे। और उसके साथ ही देखा कि मंदोदरी भी है, बल्कि मंदोदरी को देखकर दूर से लगा क्योंकि बड़े मूल्यवान वस्त्रों से वो आभूषित थे, उनको लगा हो सकता है कि सीता, लेकिन ये इन्होंने सोचा सीता तो पतिव्रता स्त्री है, वो कैसे ऐसे महल में सो सकती है और इतनी गहरी निद्रा उनको कैसे आ सकती है। तो ऐसा विचार करते हुए जंप यहां वहां लगाते हुए उन्होंने कहा ये सीता नहीं है और सीता रावण के साथ कैसे रह सकती है। ऐसा सोचकर हनुमान उनके महल से निकलते हैं और महल से भागकर बाहर एक उद्यान या बगीचे में आ जाते हैं। जो रावण का बगीचा था वहां सब जगह उन्होंने देखा और उनको एक भवन नजर आया। उन्होंने सोचा मानो इस भवन में सीता हो सकती है, लेकिन नजदीक गए तो वहां सीता नजर नहीं आई, वो भवन रिक्त था। और वो सोचने लगे मुझे तो अंगूठी देके भेजा है राम ने, और ये अंगूठी देकर भगवान राम ने मुझे भेजा है, राम मुझसे आकांक्षा रखते हैं कि मैं इस सेवा करके सफल होके वापस आ जाऊं, लेकिन मुझसे ये संभव नहीं हो रहा है। फिर दूसरा विचार आया, शायद जब रावण सीता को लेके आ रहा था तो शायद रास्ते में सीता देवी ने प्राण तो त्याग नहीं दिए, या समंदर के ऊपर से जब लेके आ रहा था तो सीता देवी शायद उसके विमान या जो भी रथ आदि है उसमें से गिरकर समंदर में अपना प्राण तो नहीं उन्होंने त्यागे, या फिर बहुत सारे राक्षसों को देखकर उन्होंने अपने शरीर को त्यागा तो नहीं। या और एक विचार आया कि सीता देवी को लंका के बाहर किसी विदेश में उन्होंने रखा तो नहीं, या क्रोधवश रावण ने उसकी हत्या तो नहीं की। इस प्रकार से वो सोचने लगे और वो कहने लगे कि मैं कैसे लौटूं, और यदि मैं लौट के जाता हूं कि मैं लंका पहुंचा था वहां सीता नहीं मिली मुझे, तो मैं राम को जाकर क्या कहूं। यदि मैं राम को ये कहूं कि सीता मुझे नहीं मिली, लंका में नहीं है और वो शायद उन्होंने प्राण त्याग दिए हैं सीता ने, तो हनुमान सोचने लगे राम को ये मैं वार्ता बताऊंगा तो उसी क्षण राम जो है अपने शरीर को त्याग सकते हैं, प्राण छोड़ देंगे। और राम के अंदर लक्ष्मण का प्राण अटका हुआ है और राम के अंदर पूरे भरत है, अयोध्या वासी है, सबका प्राण अटका हुआ है। राम यदि अपने प्राणों को त्यागेंगे तो पूर्ण ये जो सूर्यवंशी अयोध्या है ये नगरी विनाश हो सकता है और उसके साथ ही साथ सुग्रीव आदि का वंश भी जा सकता है। और यदि ऐसा हो गया तो हनुमान कहते मैं चिता जलाऊंगा सामने और खुद उसमें जंप मार के अपनी हत्या कर दूंगा। तो ऐसा ये सोच ही रहे थे, उन्होंने कहा क्यों नहीं मुझसे इसी सेवा हो रही है, क्यों मैं सीता को ढूंढ नहीं पा रहा हूं। तो ऐसे वो चिंता कर ही रहे थे, अभी उनको बहुत क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया हनुमान जी को। हनुमान कहते हैं मैं सारे देवताओं को त्रास दूंगा, कष्ट दूंगा, इंद्र को भी पिटाई करूंगा उसके, और अग्नि को पानी में डुबा डुबा कर पृथ्वी पर नाक घसीटूंगा उसका। ऐसा क्रोध में बोलते जा रहे हैं, कहते यम, यम सबको दंड देता है, उस यमराज को मैं दंड दूंगा। और ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी को ये पहाड़ों के साथ कुमार जैसे चक्के एक चाक को व्हील को घुमाता है, उसी प्रकार पहाड़ों के साथ इस पृथ्वी को घुमाऊंगा। और इतना ही नहीं, ये जो पवन बहता रहता है पवन देव, उसको भी पकड़ पकड़ कर ऐसे घुमाते रहूंगा। तो अभी इतने क्रोध में आ गए थे, यदि सीता नहीं मिली मुझे आज तो इस लंका को उठा के समंदर के अंदर डाल दूंगा। तो ऐसे जब कहते ऐसा जब मैं क्रोध प्रकट करूंगा
तो फिर देवता सारे मेरे सामने सीता को लेके आ जाएंगे, कहेंगे कि ये देखो सीता यहाँ है, या फिर राम मेरे सामने आ जाएंगे और वो कहेंगे कि संसार का नाश मत करो, रहने दो, हाँ सीता को मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। तो अभी हनुमान ऐसे हाँ बिल्कुल अपने जोश में आए थे, मानो सेवा पूरी नहीं होगी तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, इतना अटैच्ड है। इसलिए श्रीनाथे जानकी नाथे कब अमेजिंग श्लोक आता है कि हनुमान ऐसे हैं जो राम की सेवा के अलावा कुछ सोचते नहीं है, और वो एक स्वामी है उनका श्रीनाथे जानकी नाथे, कहते राम ही उनके स्वामी है, वो किसी और को स्वामी के रूप में वो स्वीकारते नहीं है। बाकी कोई भी अवतार उनके सामने आए, हनुमान जी जगन्नाथपुरी गए तो जगन्नाथ जी को टेंशन हो गया, हनुमान आए हैं जगन्नाथपुरी, तो वहां साथ में बलराम बैठे थे, बलराम को कहते देखो टाइम नहीं है, हनुमान जी बाहर है मंदिर के, तुम सीधा लक्ष्मण बन जाओ। और वहां जो सुभद्रा थी, सुभद्रा देवी को कहते अभी टाइम नहीं है, तुम थोड़ी देर के लिए सीता बन जाना, आ कहते हनुमान आ रहे हैं। मतलब हनुमान अपने जो नाथ है स्वामी है, राम के अलावा अन्य अवतारों के प्रति भी उनका कोई आकर्षण नहीं है, इतना प्रगाढ़ आसक्ति है, जिनका वर्णन नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ में किया है प्रेमा भक्ति चंद्रिका में, हनुमान के ऐसे स्वामित्व के बारे में, किस प्रकार से स्वामी की सेवा और एक निष्ठ उनकी जो भक्ति है उसके बारे में उन्होंने ये चर्चा की है। तो ऐसे जब हनुमान जी सोच रहे थे, बहुत गुस्से में थे, तो एक बहुत बड़े शिखर पर चढ़े, और उन्होंने शिखर पर चढ़े कि ये भी यहां से देखता हूं फाइनली अभी सीता देवी नजर आनी चाहिए, तो उन्होंने देखा कि दूर से ही सूर्य किरणों से अभेद्य ऐसा वन उनको नजर आया, जहां हेम वर्ण का एक वृक्ष था अशोक का, जिसके नीचे एक स्त्री उनको नजर आई जो शोकाकुल होने के कारण बहुत ही दुबली पतली हो गई थी और वेदना से दग्ध थी, अत्यधिक दुखी नजर लग रहे थे और अनवरत अपने आंखों से आंसू बहा रहे थे, और विरह के अग्नि में मानो वो तप रही है, जिसके वस्त्र मैले हो गए हैं, और वो ऐसी लग रही थी दूर से मानो कि सारे बिल्लियों के बीच में कोई तोता बैठा हो। अभी तोते तोते को बिल्लियां सारे, एक तोता मिला तो बिल्लियों की फिस्ट हो जाती है, तो ऐसा लग रहा था कि सारे राक्षसियों ने उनको घेरा था, और सीता देवी ऐसी लग रही थी मानो एक तोता अपनी जान बचा के बैठा है। वाल्मीकि ऋषि दूसरा दृष्टांत देकर कहते हैं कि मानो कई सारे व्याघ्रों के बीच में कोई गाय बैठी हो, और ऐसे राक्षसनियों के बीच में अपने कपाल को हाथ लगाकर सीता देवी वहां बैठी है, ऐसी जनक नंदनी विशालाक्षी जगन माता सीता को हनुमान ने दूर से ही देख लिया और ये पहचान गए ये कौन होगी, सीता ही होगी। तो ऐसे सीता देवी को उन्होंने दूर से देखा और उन्होंने राम आदि को प्रणाम किया, सारे देवताओं को प्रार्थना किया, जहां ऊंचे स्थान में वो चढ़े थे वहां से उतरे और एक अंगूठे के आकार के हो गए, इतने छोटे से हो गए, और गए उस अशोक वाटिका में, और जिस वृक्ष के नीचे सीता देवी बैठी थी उस वृक्ष में जाकर छिप जाते हैं, और बार बार सीता देवी को देखते हैं और देखते कि अच्छा यही है सीता जिसके लिए, जिसने ऋषमुख पर्वत के ऊपर अपने आभूषण फेंके थे, हाँ वो सोचने लगे यही सीता है जिसने फेंके थे आभूषण। और दूसरी चीज उन्होंने सोचा कि, और उन्होंने देखा भी कि वहां वृक्ष के नीचे बहुत विरह वो कर रही है, और उन्होंने देखा कि वे सीता ये जो स्त्री है ये राम नाम का उच्चारण कर रही है, और विरह अवस्था में सारी पतिव्रता के जो लक्षण है, एक पतिव्रता नारी के जो लक्षण है वो प्रकट कर रहे थे। हाँ तो ऐसे जब देखा तो हनुमान समझ गए कि यही सीता है जिसके लिए राम ने धनुष तोड़ा था, यही सीता है जिसके लिए जयंत जब कौवा बन के आया था, उसको इंद्र का जो पुत्र है जयंत कौवा बन के आया था, जिसने जिसके लिए भगवान ने ब्रह्मास्त्र से उसकी आंख खत्म कर दी थी,
हनुमान कहने लगे, अरे यही है वो सीता जिसके लिए विराद असुर का वध किया था, शुपनखा के नाक का और काट काट दिए थे, मरीज को मृत्यु करवाई थी, बाली को मारा था, वानरों को चारों दिशाओं में इकट्ठा करके लेके आए हैं। तो इस प्रकार से राम के बारे में, सीता के बारे में वो सोचते हैं, और फिर हनुमान सोचते हैं कि कैसे मैं सीता से बात करूं, कैसे बात करूं, ऐसे चिंतित थे ही। तो उसी समय रावण सीता के बारे में सोचकर कामाग्नि से प्रेरित हो रहा था, उद्विग्न होकर और पूरा सही रूप से सज धज कर वहां हजारों स्त्रियों के साथ आता है, और सारे स्त्रियां रावण की सेवा करते हुए चलती है। रावण वहां पहुंचता है तो सीता देवी क्या करती है, अपने शरीर के जो वस्त्र है उसको ठीक करती है। मानो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि एक बाघ वहां से आया है जिसको देखकर एक हिरणी सिकुड़कर बैठ जाती है, उसी प्रकार के अपने वस्त्र और शरीर को सिकुड़कर सीता देवी बैठ जाती है। रावण कहता है, हे सुंदरी तुम मुख नीचे करके क्यों बैठी हो और अपने क्षीण कटी को अपने वस्त्र से क्यों ढक रही हो। मैं तो मन्मथ कामदेव से बहुत ही व्याकुल हो गया हूँ, काम पीड़ा से व्याकुल हो गया हो, और आप सोच रही है कि वो राम आएगा यहाँ। कहते वो तो मनुष्य है, वो मनुष्य समंदर को पार कैसे करके आ सकता है। तो राम की बहुत ही निंदा की सीता देवी के सामने, तो सीता देवी को क्रोध आया। फिर से सीता देवी जब भी रावण से बात करते थे तो एक तृण को उठा लेते थे। तो आचार्यगण कहते, कई व्याख्या करते हैं कि एक तृण को उठाने के कई सारे निर्देश है। मानो उसको कह रहे हैं कि तुम तो एक तृणवत हो, तृण के समान है, तुम्हारा क्या वैल्यू है। और दूसरा इस प्रकार से भी सोच रहे थे कि मानो तृण के समान ही तुम्हें सूखना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। और तीसरी चीज मानो सीता देवी सोच रही है या एक आदर्श प्रस्तुत कर रही है कि कभी भी एक स्त्री को पर पुरुष से एकांत में वार्तालाप नहीं करना चाहिए, कोई ना कोई क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। इसलिए मानो उस तृण को बीच में रखते हुए सीता देवी सब स्त्रियों को ये विशेष शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे सीता देवी ने कहा, हे असुर तुम पागल हो गए हो, यदि तुम्हारे अंदर बहुत ही शौर्य था, बहुत ही पराक्रम था, तुम मुझे क्यों उठाकर लाए हो, राम से तुम युद्ध करते। और सीता देवी ने कहा, वो व्यक्ति अपने यश अपने आयु को नष्ट करता है जो पर स्त्री से या अन्य स्त्री से समागम करने की इच्छा रखता है। तो तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम क्या करो, मुझे मेरे राम के पास भेज दो, अन्यथा जो राम है तुम्हें मार डालेंगे। तो इस प्रकार से सीता देवी ने बहुत ही उनको बहुत ही कठोर कठोर शब्द बोले। और सीता देवी ने कहा, जिस दिन उनके बाणों से तुम्हारे वक्षस्थल पर प्रहार होगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैं सीता को यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है। तो फिर सीता देवी कहते, तुम उसी प्रकार से नष्ट हो जाओगे जिस प्रकार से सूर्य उदित होता है तो कोहरा नष्ट होता है, और एक जो भेड़ है, भेड़ा जिसको कहते हैं, अब वो पहाड़ को टकराए तो खुद नष्ट हो सकता है, और एक नाला समुद्र में जाता है तो अपना अस्तित्व खो देता है। उसी प्रकार से हे दुष्ट रावण तुम भस्म हो जाओगे मेरे राम के हाथों से। तो ऐसे राम की प्रशंसा करने लगी सीता देवी, तो रावण बहुत ही क्रोधित हो जाता है और उनको बहुत निंदापूर्ण वचन कह के राम वहां से चला जाता है। चला नहीं जाता, वहां ही रहता है थोड़ी देर के लिए। तो ये हनुमान वृक्ष के ऊपर बैठकर सब कुछ सुन रहे थे। हनुमान को लगा अभी इस रावण को उठा के पटक देता हूं, मार डालता हूं, लेकिन दूसरा विचार आया, यदि उसने मुझे मार डाला तो फिर मेरे राम को ये न्यूज़ नहीं पहुंचेगी, इसलिए मुझे जीवित रहना क्या है बहुत आवश्यक है। इसलिए भक्तों को भी सेवा में कई बार होता है कि जीवित रहने के लिए थोड़ा ठीक ठाक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए क्योंकि लंबा सफर है जीवन का और सेवाएं हैं। तो इस प्रकार से वो सोचते हैं, मैं मरूं तो
तो मेरे राम के पास ये न्यूज नहीं जाएगी। हाँ, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे जीवित रहना है, धैर्य को धारण करके वो सब कुछ निंदा सुनते रहे। रावण ने बहुत कठोर वाणी बोली। उसी समय वहां मंदोदरी आती है और मंदोदरी कहते कि हे रावण, ये नीति संगत नहीं है। हाँ, तुम्हें आज सीता को वापस देना चाहिए, तुम मृत्यु को आमंत्रण कर रहे हो। सीता देवी ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर सीता देवी ने जितनी भी राक्षसियां थी, हरिजटा, त्रिजटा, महोदरी, हयाशा आदि, इन सब राक्षसियों को बोला कि तुम क्या करो, इसको प्रीच करो, बोलो दो ही महीने तुम्हारे पास है और दो महीने के अंदर इनको प्रिय वचन बुलाकर, धमकियां देकर, भयभीत करके किसी ना किसी प्रकार से मुझसे विवाह करने के लिए राजी करो। और यदि ये राजी नहीं होती है, तत्पर नहीं होती है, सम्मति नहीं देती विवाह के लिए, तो इसका वध कर लो और आप मिलके इसका मांस खा लो। हाँ, तो ऐसे बोल के रावण अंतपुर में चला जाता है। फिर ये सारी राक्षसियां सीता को घेर लेती है। एक जाति कहती, वो चिकनी चुपड़ी बातें करके, हाँ नहीं होती ना कई स्त्रियां, बड़ी मधुर चिकनी चुपड़ी बातें कर करके सीता देवी को फुसला रही है, रावण ऐसा है, रावण वैसा है, तुम रानी बन जाओगी, ऐश्वर्य का भोग करोगी, ये होगा वो होगा। लेकिन सीता देवी बिल्कुल स्थिर थी। दूसरी कहती, ऐसी नहीं मानेगी, जरा शूल लेके आओ, त्रिशूल लेके आओ, हाँ इसके शरीर में खोजते हैं और तभी इसको पता चलेगा। अरे लंका की रानी होना है, इतना बड़ा मान दे रहे हैं, तभी भी तैयार नहीं थी। तीसरी बोलती है, अरे नीच बुद्धि वाले, तुम्हें समझ में नहीं आता हम कब से चिल्ला रही है, रावण से विवाह करो, रावण से विवाह करो, अन्यथा वध कर देंगे। तो चौथी कहती है, तुम्हें नहीं करना है, देखो तलवार मेरे पास है। सीता की गर्दन के पास तलवार लेके गए, कहते इसी तलवार से टुकड़े टुकड़े करेंगे और साथ ही शहद का बड़ा डब्बा है, मतलब एक पात्र है शहद, कहते तुम्हारे मांस को निकालेंगे, शहद में डुबा डुबा के खाएंगे। सीता देवी को ऐसे ऐसे वचन ये सारे राक्षसियां बोल रही हैं। तो सीता देवी कहते, हे राक्षसियों, क्या ये कदापि संभव है एक पतिव्रता स्त्री को किसी पर पुरुष को अपना पति बनाना, या एक मानव को किसी दानव के साथ अपना दाम्पत्य संबंध स्थापित करना, आप ही बताओ। वो कहती है, जिस प्रकार से चंद्रिका चंद्र से अलग नहीं हो सकती, प्रभा सूर्य से अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार से मैं भी मेरे राम से कदापि अलग नहीं होने वाली, चाहे आप जितना कष्ट मुझे दे दो। ऐसा बोल के जोर जोर से क्रंदन करते हुए सीता देवी वहां जमीन पर गिर जाती है। गिरकर हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय कौशल्या, आज सबको याद करती है। कल आपने सुना था, लक्ष्मण को कटु वचन बोलने के कारण भगवान राम ने मानो सीता को कहां उठा के रखा था, लंका में उठा के रखा था। एक भक्त के प्रति अनादर, अपशब्द कहने के कारण या अपराध करने के कारण, और सीता देवी वो भावना अभी आप देखेंगे आगे हनुमान के पास व्यक्त करती है। तो सीता के संताप को देखा तो एक जो राक्षसी थी, थोड़ी सी साधु स्वभाव की थी, त्रिजटा, जो उसको देखा कि अरे ये देखा नहीं जा रहा है दुख, उसने सोचा भी मुझे नींद आ रही है, थोड़ी जाके सोती हूँ। वो त्रिजटा एक प्रकार से लीडर थी, वो जाकर सो गई और सोते हुए जैसे हम सबको सपने आते हैं, आते कि नहीं आते हैं, वैसे उसको सपने में साक्षात राम आ गए। हमारे सपने में पता नहीं कौन कौन आता है, राम तो आते ही नहीं है। त्रिजटा राक्षसी के सपने में राम आ गए, केवल ये छोटी सी भावना उसने व्यक्त की थी कि सीता का कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा है। ये सीता के प्रति मानो सेवा की भावना है। तो इस प्रकार से ऐसे जब वो त्रिजटा, बच्चों को थोड़ा बाहर ले जाइए, त्रिजटा जब सो गए तो उन्होंने एक स्वप्न देखा और वो उठ के खड़ी हो गए। उठ के खड़े होकर उन्होंने कहा, हे सारी नारियों, इधर आओ, मैंने एक विशेष स्वप्न देखा है। राक्षसी कहती, क्या स्वप्न देखा? वो कहते, मैंने देखा कि राम गज पर आ रहे हैं, मतलब विशाल हाथी पर बैठकर आ रहे हैं, और ये जो कोमल अंगी है, कोमल शरीर वाली ये सीता है,
इस कोमलांगी को लेके जा रहे हैं और उनका राज तिलक राम के साथ हो रहा है। और मैंने ये भी देखा है कि एक विमान के ऊपर से रावण चकराकर गिर गया और एक नीलांबर धारी युवती ने अपने तलवार से उसकी गर्दन काट दी और उसका जो डेड बॉडी एक गधे के ऊपर डाल दिया और पश्चिम दिशा में भेज दिया। ये राक्षसियां कहती कैसा विचित्र स्वप्न है। और वो त्रिजटा कहती कि लंका वहां डूब जाती है, सारे राक्षस मर जाते हैं और जो विभीषण है वह धवल छत्र के नीचे और हाथी पर बैठकर एक राजा बन जाते हैं। अब वो कहते हे दानवियों, रावण की मृत्यु निश्चित है और राम की विजय भी निश्चित है समझो। इसलिए ये जो कोमलांगी स्त्री है सीता, इसको कभी भी आप क्या नहीं करो, कष्ट मत दो, इसको सताओ मत, अब दूर हट जाओ। तब से सारे थोड़े से अपने वश में रहने लगे, सब दूर रहने लगे, सीता देवी को कष्ट नहीं देते थे। सीता भयभीत हो गई थी, अभी उसके पास 2 महीने थे मृत्यु के लिए। सीता देवी ने सोचा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे आसुरों से मुझे मरना पड़ रहा है, मैं अभी मरना चाहती हूँ, इन आसुरों के हाथ से मरने से अच्छा है मुझे अभी विष खा के मरना है, लेकिन विष देने वाला कोई नहीं है। फिर से जोर से रोने लगे। फिर उन्होंने अपने बाल, जो लंबे लंबे बाल थे, लंबे लंबे बाल गले में बांधना शुरू कर दिए, मानो गले में बांध के क्या करूंगी, गले को फांसी ले लूंगी। अभी वो बाल कहां बंधे नहीं जा रहे थे। सीता देवी व्याकुल हो रही थी, राम का स्मरण कर रही थी। ऐसा जब उस विपदा में थी, कष्ट में थी, विलाप कर रही थी, उसी समय सीता का जो वाम नेत्र है वो फड़कने लगा, उनकी वाम भुजाएं फड़कने लगी, बाई जांग फड़कने लगी, सारे शुभ शकुन उनको दिखने लगे। और उन्होंने फिर सोचा कि ये सारे शुभ चिन्ह मुझे नजर आ रहे हैं, ये मृत्यु का दुस्साहस है, मुझे त्याग देना चाहिए। और फिर राम जो सारे चीजों के आदि कारण है उनका वो स्मरण करने लगी। और वो जब स्मरण कर रही थी तो हनुमान ये सारा देख रहे थे। हनुमान ने देखा कि अभी यह सही अवसर है, अभी वो भगवान राम के स्मरण में निमग्न है। तो हनुमान सोचे इससे बात कैसे करूं, कौन सी लैंग्वेज यूज करूं। अभी हनुमान रहे वानर, अभी उनको सोचा ये तो मनुष्य है, सीता देवी से कौन सी भाषा में बात करूं। तो श्री संप्रदाय के एक महान आचार्य हैं गोविंद राज, जिनकी सबसे उत्कृष्ट टीका है रामायण के ऊपर, उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं कि हनुमान पहले सोचने लगे संस्कृत में बात कर लेता हूं, तो संस्कृत में बात कर लो तो ये सोचेगी, क्योंकि ये रावण हो सकता है शायद, क्योंकि रावण केवल संस्कृत में बात करता था, रावण बड़ा विद्वान था। देखो रावण जैसा असुर संस्कृत में बात करता है, और संस्कृत मीन्स जो संस्कृत संस्कृतिवान सिविलाइज्ड व्यक्ति है उनकी वो लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा रावण ने वो लैंग्वेज अपनाई थी। तो उनको राम को लगा, हनुमान को लगा कि मुझे नहीं बात करना चाहिए संस्कृत में, उसको लगेगा कि ये मायावी संस्कृत लैंग्वेज में बात कर रहा है, ये रावण ही हो सकता है। फिर सोचा अपनी वानर की भाषा में बात करता हूँ, अरे इसको समझ में आएगा नहीं आएगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो अयोध्या के निकटवर्ती गाँवों में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसमें बात करता हूँ। तो सीता को लगेगा कि हाँ ये तो राम का ही कोई अनुचर दूत आदि है, गुप्तचर है। तो आचार्य कहते हैं कि उस समय उन हनुमान ने अवधी भाषा में बात करना शुरू कर दी और ये कहने लगे हे भूमि सुते, हे पुण्य साध्वी, आप इस प्रकार दुख क्यों व्यक्त कर रही हैं? आपके प्रभु राम सकुशल है, वो समुद्र पार करके शीघ्र ही रावण का वध करने के लिए आने वाले हैं और आकर आपको शीघ्रता से लेके जाएंगे। और अभी किष्कंधा में जो माल्यवंत पर्वत है उस पर्वत पर प्रभु राम वहां विराजमान है। तो सीता ने जब सुना, अभी अंगूठे के समान थे, इतने छोटे से, और पेड़ में कहां घुस के बैठे थे। सीता को पहले लगा आकाशवाणी हो रही है, सीता ऊपर इधर उधर देखती है, ये तो आकाशवाणी लग रही है मुझे। फिर देखा ये तो आकाशवाणी नहीं है, ठीक से देखा एक बंदर नजर आ रहा है। तो सीता देवी बंदर को देख के दुखी हो गई
क्योंकि बंदर को देखना मीन्स कुछ ना कुछ अशुभ आपके जीवन में घटित होगा, ऐसा होता है। तो उनको लगा कि बंदर को देख लिया मानो अभी कुछ अशुभ आने वाला है, व्याकुल हो गई, बार बार ऊपर देख रही है, बार बार नीचे देख रही है। वो सोचने लगी ये रावण के यहाँ बंदर कैसे आ सकता है, ये राक्षस मनुष्यों को नहीं छोड़ते, खा डालते हैं, ये चुन्नू मुन्नू जो बंदर है उसको ऐसे ही खा डालेंगे, राक्षस के बच्चे भी खा डालेंगे उसको। तो सोचने की बंदर आया कैसे, ऐसा वो सोच ही रहे थे, हम कहते बंदर नहीं हो सकता। तो फिर जो सीता देवी है उन्होंने सोचा कि ये तो प्रभु का समाचार लग रहा है और ये तो हमारी लैंग्वेज बोल रहा है, हमारी भाषा बोल रहा है। और तब हनुमान ने बोला कि मैं मायावी नहीं हूँ, तो तुरंत नीचे उतर आए और सीता देवी को प्रणाम किया, कहा हे कल्याणी मैं आपके पति से आपको मिलाने आया हूँ, और ऐसे बोल के तुरंत वो जो मुद्रिका है अंगूठी निकाल कर उनके हाथ में दे दी सीता देवी के। और सीता देवी ने जैसे देखा, सीता देवी आनंदित हो जाती है। सीता देवी कहती है कि हे अनग, अनग मतलब हे निष्पाप, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने दूर आए कैसे। तो एक दूसरे एक पुराण में बहुत अच्छा श्लोक आता है जिसमें हनुमान कहते हैं मैं इस बड़े सागर को पार कर पाया क्योंकि मैंने राम के नाम का आश्रय लिया था। हे सीते, राम के नाम का आश्रय लेने मात्र से जो सब योजन लंबा ये जो समंदर है ये गाय के खुर के समान छोटा हो गया और उसको सरलता से मैं लांग के यहाँ आ गया। उन्होंने कहा मेरा नाम हनुमान है और मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ और जितना भी वृत्तांत था अपहरण से लेकर लंका तक सारी घटना उन्होंने सुनाए। और फिर उनको लगा सीता देवी को अभी भी विश्वास नहीं हो सकता, उन्होंने क्या किया भगवान राम के शारीरिक शरीर का वर्णन किया, उनके सौंदर्य शरीर का जो घटन आदि है वो सब का वर्णन किया, लक्ष्मण के शरीर का वर्णन किया और सीता देवी समझ गए कि ये वास्तव में राम का दूत है। अंगूठी को लिया और अपने वक्षस्थल पर लगाया, फिर माथे में लगाया, सीता देवी बहुत आनंदित हो गई। सीता देवी ने कहा हे पवन कुमार आपको प्राणदान आपने मुझे किया है, मानो आपने मुझे जीवित कर दिया है। तुम कल्पांत तक जीवित रहो, मतलब ब्रह्मा का जो पूरा दिन है इतना लंबा होता है, 1000 चतुर्युग ब्रह्मा के जीवन में, 1000 सत्ययुग, 1000 ये चारों युग 1000 बार आते हैं। तब तक हनुमान को कहा तुम जीवित रहो, हनुमान बहुत आनंदित होते हैं। हनुमान कहते कि हे माता मैं आपको अभी ले चलता हूँ, आप मेरे पेट पे बैठी है, बहुत बल में रखता हूँ। पहले तो देखा ये छोटा सा ही है, अब फिर कहते असली रूप दिखाता हूँ, हो गए पूरे इतने विशाल, कहते ये है मैं हनुमान हूँ, फिर छोटे हो गए, बात करने के लिए छोटे हो गए, क्योंकि बड़ों के सामने कैसे बात करना चाहिए, छोटे बन के। उन्होंने बड़ा बन के बात नहीं किया, कुछ मर्यादा का पालन किया। मर्यादा पालन है साधुर व्यवहार, जो भक्त होता है वो सदैव मर्यादा का पालन करता है, वो जानता है सद्व्यवहार आचरण आदि क्या होता है। तो हनुमान भक्तों में शिरोमणि है, तो ऐसे हनुमान ने उनसे बात की, सीता देवी को कहा मेरे पीठ पर बैठ के चलिए। सीता देवी कहती मैं जानता हूँ हे पवन सुत आप में वो क्षमता है, लेकिन विवाह के दिन से मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं किया है और रावण का जो मुझे उस उठा के लाया है वो स्पर्श भी मुझे रुलाता है, लेकिन अभी मैं आपका स्पर्श नहीं करूंगे। अब देखो हनुमान 10 महीने हो गए हैं और अभी मैं केवल 1 महीने के लिए केवल राम की प्रतीक्षा करूंगे, और यदि मेरे प्रभु राम नहीं आए 1 महीने के अंदर, क्योंकि रावण ने तो 2 महीने कहा था, उससे पहले उन्होंने कहा 1 महीने के अंदर नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तो ऐसे जब सीता देवी ने कहा तो हनुमान कहते कि आप मैं जा जाऊंगा तो कुछ आप मेरे पास चिन्ह दीजिए जो राम को दिखाऊंगा कि आपसे मिला था।
तो वो दिखाने के लिए जो सीता देवी अपना चूड़ामणि उनको देती है और हनुमान उसको ले लेते हैं। और हनुमान ने सोचा, बल्कि सीता देवी कहती है, अरे तुम बहुत थके होंगे, फल आदि नहीं खाए होंगे, जो इधर ये अशोक वाटिका में कम है, इतने सारे फल है, ये फल क्या करो, तुम स्वीकार करो, जो गिरे हुए फल है उनको खा लो, उनको खा लो और उनको खाकर अपना भूख जो है वो मिटाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़े गिरे हुए फल ही क्यों खाऊंगा, मैं तो क्या चाहता हूँ, कुछ ज्यादा फल चाहता हूँ। तो अपना विशाल शरीर धारण किया और जितने वृक्ष थे सबको ऐसा उल्टा उखाड़ के उल्टा करके हिलाते थे, सारे फल नीचे, कहते माता तुमने कहा फल खाओ, सही में फल खा के रहूंगा, अभी फल कब खाते थे, लेकिन सारे वृक्षों को उखाड़ दिया। वाल्मीकि मुनि कहते हैं वहां सारे वृक्षों को उखाड़ कर केवल एक वृक्ष रखा था उन्होंने, और वो कौन सा वृक्ष था, सीता देवी जिस हेमवर्ण अशोक के नीचे बैठी थी उस वृक्ष को उन्होंने रखा। बल्कि दूसरा विचार उनका ये भी था कि कम से कम मैं लंका में आया हूँ, किसी को पता भी नहीं चला मेरी न्यूज का, अब मैं आया हूँ पता ही नहीं चला, इतना इसको पार करके आया, इतना बड़ा पराक्रम किया है, और इन रावण को तो पता चलना चाहिए ना कि कोई तो आया था यहाँ। तो उन्होंने जितने भी वो राक्षसी थे आसपास, वो कहते कि 80,000 राक्षसों को तो अपने एक पूछ से ऐसे घुमा घुमा के मार डाला। और तब ये न्यूज जो अशोक वाटिका की जो राक्षसियां थी वो गई दौड़ के, कहते एक वानर आया है, उसने आतंक मचाया है, सारे वृक्ष गिरा दिए, एक वृक्ष रखा है। फिर रावण को क्रोध आता है, अपने बड़े बड़े वीरों को भेजता है, हनुमान जो भी आता है पूछ में सारी शक्ति थी, पकड़ पकड़ के गोल गोल घुमा घुमा के पता नहीं कहाँ फेंक देते थे। फिर जाम्बो माली जो एक बड़ा वीर भेजते हैं उसको मार डालते हैं, और ऐसी शक्ति सब जाके बोलते हैं कि ऐसी शक्ति किसी वानर में नहीं हमने देखी। तो फिर 5 बहुत पावरफुल राक्षस को भेजा जाता है, उनको भी हनुमान मारते हैं, और फिर रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजते हैं। और जब वो गए तो उन दोनों का बड़ा लंबा युद्ध हुआ, और उस अक्षय कुमार की टांगे पकड़ ली हनुमान ने, टांगे पकड़ के ऐसे घुमाया और ऐसे फेंक दिया, जिसका सारा शरीर जो गर्दन हाथ सब कुछ अलग अलग होकर गिर गए। तो ये देखकर, क्योंकि ये पहला उनका पुत्र था, ये एक पुत्र था, बहुत सारे पुत्र थे उनके, इतने हजारों हजारों उनकी स्त्रियां थी, तो इसकी जब मृत्यु हुई तो बहुत व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। रावण को लगा ये यमराज तो नहीं आ गए यहाँ। तो इन्होंने फिर इंद्रजीत को कहा कि तुम जाओ और कुछ अपना कर्तव्य कराओ। इंद्रजीत गए, और इंद्रजीत बहुत पावरफुल है, जिनको ये वचन था कि कोई व्यक्ति उनको सरलता से मार नहीं सकता। हाँ, तो ऐसे इंद्रजीत जाते, हनुमान के साथ युद्ध होता है, पहले तो अग्नि अस्त्र चलाते हैं, वायु अस्त्र चलाते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फाइनली ब्रह्मास्त्र चलाते हनुमान के ऊपर। और ब्रह्मास्त्र जाता है तो हनुमान के ये वर था कि कोई भी अस्त्र उन पर काम नहीं करेगा, तो वो ब्रह्मास्त्र जाकर उनको मारता नहीं है, उनको क्या करता है, बांध देता है, हाँ ऐसे बांध कर पृथ्वी पर गिरा देता है, और वो मरते नहीं है। सबको आश्चर्य होता है, अरे ब्रह्मास्त्र से तो बड़े बड़े मरते हैं, ये वानर ब्रह्मास्त्र से नहीं मरा। अब देखो कितने भी बड़े युद्ध होते थे, सब अस्त्र चलाने के बाद व्यक्ति क्या बोलता है, बल ब्रह्मास्त्र चलाता हूँ, हाँ फिर कुछ होगा। तो भगवान ऐसे उनके भक्त है हनुमान, उसमें कोई आपका अस्त्र काम नहीं करेगा, लेकिन ब्रह्मा का ये अस्त्र है, ब्रह्मा को आदर प्रकट करने कराने के लिए उनके प्रति, इसलिए वो बंद जाते हैं। और रावण के सामने उनको खड़ा किया जाता है और पूछते तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, किसने भेजा है, क्यों आए हो, क्या तुम हरि ने भेजा है या शिव जी ने भेजा है, किसने भेजा है। हाँ, यहाँ इंद्र आने में भी डरता है, तुम एक साधारण बंदर यहाँ कैसे पहुंच गए। इन्होंने कहा हे राक्षस,
हे नीच कर्मी, पाप कर्मी, हे दुष्ट, ऐसे जितनी गालियां उनको आ रही थी, सारे जितने ऊंचे ऊंचे शब्द थे सारे बोल दिए उसके मुंह में, डरे नहीं। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा मैं राम का दूत हूं हनुमान। हाँ, कहते राम आएंगे तुम्हें मारेंगे। रावण को इतना क्रोध आया, मेरे सामने मेरे निंदा की जा रही है, तो उन्होंने कहा ले जाओ इस बंदर को और इसका वध कर दो। तो उस समय भक्त एक है, महान भक्त लंका में थे, विभीषण, वो कहते हैं रावण जो दूत होता है वो अवध्य होता है, उसको मारा नहीं जाता और उसका कर्तव्य है, थोड़े बहुत ऐसे शब्द बोलता रहता है, लेकिन क्या करो, इसको मारो नहीं, या तो इसको छोड़ दो या इसको थोड़ा दंड दे दो। तो सारे मंत्री आदि सबसे पूछा इस वानर को दंड दे तो क्या दे, सबने अपने हाथ ऊपर करके बोला। कहते वानर को अपनी पूछ बड़ी प्रिय होती है और इसके लिए दंड क्या है, इसकी पूछ को जला देते हैं। हाँ, तो इनको बांध दिया था वानर, ये हनुमान की पूछ तो बड़ी ऐसी ऐसी लंबी चौड़ी, हाँ हमेशा ऊपर रहती थी, हाँ बहुत बल था उस पूछ में। तो इनको क्या किया, सारे नगरवासी बड़े आनंदित हो गए लंका के, उन्होंने कहा ये कीड़ा कहाँ से आ गया, अच्छा वो इस कीड़े को पकड़ लिया। सारे राक्षस कहते ये कीड़े को पकड़ लिया है और फिर इनको अभी जलाएंगे। तो जो लंका का मेन जो चौराया था उसमें ले जाना लेके जा रहे थे इनके महल से। तो हनुमान जी तो राम का नाम लेते हुए जा रहे थे, हरे कृष्णा जोर से, मानो किसी की पूछ जला रहे हो तब कितने जोर से कृष्ण को पुकारोगे। हाँ, हमारी पूछ जले, यहाँ बैठे बैठे पीछे यहाँ कोई जला दे तो हम चिल्ला चिल्ला के राम का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो उस हनुमान को बड़े बड़े रस्सों से बांधा गया था और फिर ये लोग थे ना नगरवासी, उन्होंने पुराने कपड़े सारे अपने घर से निकाले। कहते आज दिवाली है, दिवाली में दीप जलाते हैं, हम क्या करेंगे, इस बंदर की पूछ जलाएंगे। और सबने तेल बाहर निकाला, जो भी उनके पास ऑयल्स थे सारे निकाले, तेल में डुबा डुबा के पूरा परिवार के साथ, मानो परिवार दिया जला रहा है कार्तिक का, उसके लिए नहीं वो दिया बनाता है, मानो पूरा परिवार लगा है दिया बनाने के लिए। लेकिन उनको पता नहीं था कि वो सारे लोग अपने खुद को जलाने के लिए वो क्या कर रहे थे, तत्परता दिखा रहे थे। तो ऐसे जब हो रहा था तो उस समय इनको जलाने के लिए शुरुआत कर दी। तो कुछ राक्षसियां सीता देवी को जाकर कहती है कि हे सीते, वो जो कपी है उसकी पूछ जलाई जा रही है। सीता देवी बहुत दुखी हो जाती है, वो कांपने लगती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुरंत वो दौड़ती है, उस वृक्ष के थोड़ा सा दूर आती है, कहती है हनुमान को संबोधित करते हुए, हे तात, आप जैसे पुण्यात्मा को मेरे कारण कष्ट भोगना पड़ रहा है। तुरंत सीता देवी पवित्र जल का स्पर्श करती है, पवित्र स्थान में खड़े होकर अग्निदेव से अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे पवन मित्र, वायु का मित्र कौन है, अग्नि है, ये दोनों एक साथ जाते ना, किसको आग जलानी हो तो आग, वैसे जितनी हवा आती है आग तेज हो जाती है, इसलिए सीता देवी अग्नि को कहती है, हे पवन मित्र, हे परम पवित्र, हे वरद, यदि मेरे प्रभु राम धर्मात्मा है और यदि वे समुद्र पार करके यहाँ आने वाले हैं और यदि यहाँ आकर वो रावण का वध करने वाले हैं और यदि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और यदि मेरे पिता जनक सबके प्रति समभाव का व्यवहार रखते हैं और यदि वेद सत्य है, तो आप क्या हो जाओ, आज के लिए शीतल हो जाओ, बर्फ की तरह शीतल हो जाओ। ऐसे जब बोला ना सीता देवी ने, तो उसी क्षण जब यहाँ इनकी पूछ जलाई जा रही थी तो वहां शीतलता नजर आ रही थी।
हनुमान कहते आज इतना बर्फ जैसा ठंडी पीछे क्यों लग रही है। ऐसा वाल्मीकि वर्णन करते हैं, कहते हनुमान जी कह रहे कि इतना ठंडक मुझे क्यों लग रहा है, आज अग्नि इतनी बर्फ के समान कैसे शीतल हो गई है। हनुमान आश्चर्य करने लगे। हनुमान ने कई प्रकार से विचार किया। उन्होंने सोचा शायद ये अग्नि मेरे पिता के मित्र है और मेरे पिता ने शायद अग्निदेव को प्रार्थना की होगी पवन ने, इसलिए शीतल हो गए हैं, या राम के प्रताप के कारण शीतल हो गए हो। फिर वो कहते नहीं नहीं, ये कोई कारण नहीं था, एकमेव कारण है इस अग्नि का शीतल होने का, और वो है सीता देवी के आशीर्वाद का प्रभाव। हाँ, तो इस प्रकार से वो कहने लगे। तो इस प्रकार से भगवान की ये जो योग माया है, उनकी जब जीव के ऊपर कृपा होती है तो इस संसार में जो जीव जल रहा है वो शीतलता अनुभव करता है। हाँ, क्योंकि माया जो ये भौतिक माया है वो हमें जलाती रहती है, तपाती रखती है संसार दावाग्नि में, और इसलिए जो भगवान की अंतरंग शक्ति की जब जीव के ऊपर कृपा हो जाती है, अंतरंग शक्ति देखती है कि कोई जो मेरी प्रभु की सेवा के लिए इतना लगा हुआ है वो मेरे प्रभु की सेवा के लिए जलने के लिए भी तैयार है, तो अंतरंग शक्ति अपना पूरा कृपा करती है और जिसके द्वारा उस भक्त के जीवन में शीतलता आती है। और वास्तव में अंतरंग शक्ति का एक प्राकट्य है भगवान की कथा। क्या है अंतरंग शक्ति? जो राधा रानी है, सीता देवी है, लक्ष्मी आदि है, इनका जो मूर्तिमान प्राकट्य है वो है भगवान की कथा। यह अंतरंग शक्ति का प्रमुख प्राकट्य है। और अंतरंग शक्ति का प्राकट्य का पहला प्रभाव क्या है? गोपियां इसलिए तो स्तुति करती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी बिरिडितम कल्मषापम। गोपियां कहती है कि संसार के जो जीव है इस तापाग्नि में जल रहे हैं, और जो लोग ऐसी कृष्ण कथा का वर्णन करते हैं और ऐसी कृष्ण कथा जब जीव अपने कानों से सुनते हैं, निरंतर रूप से उसको सुनते रहते हैं, तो जो तपे हुए जीव है संसार दावाग्नि में उनको शीतलता प्राप्त हो जाती है। और ऐसी कृष्ण कथा का जो वर्णन करते हैं, प्रचार करते हैं, गोपियां कहती हैं भूरिदा जना, इस संसार में उनसे बढ़कर कोई दानी व्यक्ति नहीं है। बड़े बड़े दानियों को देखा है डोनर्स, लेकिन गोपियां कहते हैं सबसे बड़े डोनर कौन है दानी? जो कृष्ण कथा का प्रचार करते हैं, कृष्ण कथा का वितरण करते हैं। तो ये जो ग्रंथ आदि है जिनका हम वितरण करते हैं, वो वितरण करना भी वास्तव में सबसे बड़ा दान का कार्य है, जिसके द्वारा जीव के जीवन में शीतलता आ जाती है, दुखों से मुक्त हो जाता है। ऐसे जब उन्होंने सोचा, उनको लगा कि सही है, सीता देवी के आशीर्वाद और कृपा के कारण ही ये अग्नि मुझे जला नहीं सकी, तो उन्होंने सोचा कि सीता का दर्शन, उन्होंने पूरे फिर वर्णन आता है बहुत विस्तृत रूप से, जो कूदने लगे दौड़ने लगे, कहते अभी दिखाता हूँ असली क्या जलाना क्या होता है। फिर जहां जहां उड़ रहे कूद रहे हैं, अंतपुर में जा रहे हैं, महलों में जा रहे हैं, किसी जहां नहीं जाना वहां भी जा रहे हैं और सब जगह जला रहे हैं, और कितना फायर ब्रिगेड आएगा वहां, लंका को हनुमान जैसा भक्त जला दे तो कोई फायर ब्रिगेड काम नहीं करेगा। तो पूरा लंका जल रहा था और ये रावण अंदर से पूरी तरह से जल रहा था। कहते एक दूध इतना हालत खराब कर सकता है एक वानर, हाँ तो बाकी कितने होंगे उस राम के साथ जब आएंगे। तो ऐसा फिर उन्होंने सोचा भी बहुत जलाया, अभी इसको बुझाना पड़ेगा अपनी पूछ को। फिर वो जाते हैं समंदर की आग में, अपने पूछ को डुबाते हैं। फिर उनको फिर भी एक दुख होता है कि मैंने शायद पूरी लंका को जलाते जलाते सीता का तो नहीं जलाया, अभी इतना बड़ा संशय आ गया। हनुमान निकलने वाले थे वापस,
फिर से अशोक वाटिका में जाते हैं और देखते हैं कि नहीं, अरे मेरी माता सीता देवी तो यहाँ सुकुशल है। फिर उनको प्रणाम करते हैं, आकाश मार्ग से फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। रिटर्न में कोई उनको असुर नहीं मिलता, फिर वो मैना पर्वत मिलता है। कहते अभी सेवा पूर्ति होगी, अभी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जैसे प्रवचन के बाद प्रसाद होता है ना, वैसे अभी वो सेवा करके आ गए तो मैनाक पर्वत में रुक गए। वहां रुक के उन्होंने अपनी थकावट दूर कर दी। जितने सुंदर सुंदर फल आदि थे, अलग अलग जल आदि थे, वो सबको उसका पान किया, फ्रूट्स आदि खाए। फिर वहां से थोड़ा सा जम मार के पहुंचे तो वहां सारा जो ग्रुप है, वानर सेना जो गैंग वहां थे, वो सारी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वो अंगद आदि सब लोग देखा, अरे हनुमान वापस आ गए। ये सारे अपने गदा आदि लेकर नाचने लगे समंदर के तट पर। और अंगद ने कहा, जब ये आए उनको गले लगाया अंगद ने, और हनुमान को सबने गले लगाया। फिर उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया, क्या क्या हो गया वहां। फिर अंगद ने कहा, चलो आज तुम सीता को तो नहीं लाए, हम सब चलते अभी सीता को ले आते हैं। जांबवान कहते, नहीं, सबसे पहले हमने राम को सूचना देनी चाहिए। तो फिर ये सब लोग राम को सूचना देने के लिए पहुंचते किष्किंधा के पास। तो किष्किंधा के पास ही घुसते समय एक मधुवन था, एक ऐसा वन जो केवल सुग्रीव वहां से फल आदि खाता था, राजा के लिए सुरक्षित था, और जहां बहुत अधिक मधु मीन्स शहद हुआ करते थे, और इन सबको कभी मिलती नहीं थी, राजा ही सुग्रीव आनंद देता था। तो अभी अंगद कहता है, कुछ भी हो जाए, आज चाहे वो हमें मारे या जो भी करे, उस वन में चलते सब पहले खाते हैं फिर न्यूज देते हैं। तो सारे गए और वहां खाने लगे। तो वहां जब ये खा रहे थे तो वहां जो दधिमुख नाम का बंदर था, सुग्रीव का रक्षक था, तो वो जाके सुग्रीव को बोलता है, अरे वो आपके वन में सारा शहद खा रहे, फल खा रहे। सुग्रीव कहते, अभी चलता हूं उनको मार डालता हूं। वो बोलते, अंगद है, हनुमान है, जांबवान है, सब नाम ले लिए। सुग्रीव कहते, उनकी हिम्मत कैसी हो गई मेरे वन में जाकर ये सब खाने की। तो राम कहते, अरे जाने दो ना, क्योंकि मुझे पता है वो सही में सफल होकर आए होंगे, इसलिए तो थोड़ा मौज उड़ा रहेंगे, खा पी रहे होंगे, तो उनको खाने दो जितना खाना है, हाँ, और उनको बुला लो। तो उनको बुलाते हैं, तो राम को जब देखते हैं, हनुमान जी श्री राम को पहला दंडवत करते हैं और राम को सारा अपना वृतांत सुनाते हैं। अब वृतांत सुनाकर एक चूड़ामणि जो सीता देवी ने दिया था उसको वो प्रदान करते हैं भगवान राम को। राम अपनी छाती से उसको क्या, अब उस चूड़ामणि को अपने छाती में लगाते हैं और अश्रुपात करने लगते हैं, सीता का स्मरण करते हुए। तो हनुमान को पूछते हैं कि सीता ने सबसे आखिरी शब्द क्या कहे थे मेरे लिए। तो हनुमान कहते हैं कि हे राम, आपके लिए सीता ने यही कहा था, कोई आपके पति पत्नी को चुराता है तो शांत बैठना कोई धर्म नहीं है, और आपने विवाह के समय तो ये वचन दिया था मेरी रक्षा करने की। तो सीता देवी कह रही है कि हे प्रभु, यहां आकर आप मेरी रक्षा कीजिए। तो राम ये सुनकर हर्षित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, और यहाँ जो सुंदर कांड है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे हनुमान की विशेष सेवा है भगवान राम के प्रति, इसलिए तो सबसे महत्वपूर्ण है भक्तों में। मुझे एक छोटी सी कथा याद आती है। एक बार एक बहुत ही बड़ा भक्त हनुमान के पास गया और हनुमान को कहा कि हे हनुमान, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये भगवान राम के पास कोई ऐसी डायरी है जिसमें उन्होंने बड़े बड़े भक्तों के नाम लिख के रखे हो। तो हनुमान ने इतना ध्यान नहीं दिया, कहते हाँ मैं जानता हूं, उनके पास एक बहुत बड़ी डायरी है जिसमें आपने भक्तों का नाम गिनती के अनुसार लिख के रखा है बड़े डायरी में। तो ऐसे जब कहा तो ये कहते जाओ आप राम के पास डायरेक्ट ही जाओ, और उनके पास होगी वो डायरी, वो दिखा देंगे किसके किसके नाम है। हनुमान कहते मुझे तो पता नहीं किसका नाम है। तो ये गए राम के पास, ये बड़े भक्त थे, इन्होंने कहा भगवान
आप, मैंने तो हनुमान से सुन के आया हो, आपके पास एक बड़ा डायरी है जिसमें आप बड़े बड़े भक्तों का नाम लिख के रखते हो। तो राम कहते, हाँ देखो, राम ने इतना सीरियसली नहीं लिया। राम ने ऐसे, जाओ उस कोने में ना एक डायरी पड़ी है, बड़ी विशाल है, उसमें बहुत सारे नाम है, जाओ देखो। वो गया, देखते उस डायरी में सबसे ऊपर सबसे पहले उसका नाम था। इतना आनंदित हो गया, हाँ, और फिर और भी नाम ढूंढने लगा। व्यक्ति देखते ना, हम जिनको जानते उनके नाम भी ढूंढते रहते हैं। अच्छा, मेरा नाम है, उस भक्त का नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, कहाँ है। कहते, अरे हनुमान का नाम नहीं इस डायरी में। सब कहते हनुमान बड़ा भक्त है, लेकिन मेरा नाम उस डायरी में सबसे पहले है। फिर से हनुमान के पास जाते हैं। हनुमान के पास जाकर हनुमान को कहते, मैं तो डायरी देख के आया हूँ और उसमें तो सबसे ऊपर मेरा ही नाम था। मैं पूरे डायरी के नाम पढ़ लिए, तुम्हारा नाम एक भी जगह नहीं था। हनुमान कहते, एक और छोटी डायरी भी होती है, हाँ। राम एक बड़ी डायरी भी रखते, हाँ नहीं, एक डेस्कटॉप रखता है व्यक्ति, एक लैपटॉप रखता है छोटा, आजकल तो मोबाइल आ गया छोटा, हाँ। तो कहते छोटी डायरी रखते हैं, वो विशेष, वो जाके देखो। तो व्यक्ति जाता है, कहता है, राम मैंने सुना है, हनुमान कह रहे आपके पास और एक डायरी है। हाँ, मेरे पास एक डायरी जो हमेशा मैं पॉकेट में रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, छाते के पास, अपने हृदय के पास रखता हूँ। तो कहते मुझे दिखाइए, दिखाइए। तो वो दिखाते हैं और देखा, देखा वो छोटी सी डायरी, तो ये आश्चर्यचकित हो गया कि सबसे पहले किसका नाम लिखा हुआ था, पवन कुमार हनुमान के। तो हनुमान का नाम सबसे पहले अंकित था। तो देखा, अभी इसको चिंता लगी अपने नाम की। हमारे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है, हमें कहा जाता है कलयुगा में नाम प्रधान है। हम सोचते मेरा नाम प्रधान या गांव का प्रधान मुझे बनना है, या नाम की प्रधानता मतलब पूरे जीवन भर अपने नाम को ऊपर उठाने में लगाते हैं। कहते पूरे एरिया में मेरे नाम का जय घोष होना चाहिए, लेकिन वास्तव में हम भूल जाते हैं भगवान के नाम का उच्चारण करना। तो ये देखता है कि मेरा नाम ये छोटे डायरी में नहीं है। अभी राम को कहते बड़े डायरी में तो ऊपर आया, छोटे डायरी में बिल्कुल नाम नहीं है। रावण कहते ये अंतर बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो। तो वो कहते उत्साह से, कहता क्या अंतर है। तो वो कहते, भगवान राम कहते हैं, जो लोग मेरा निरंतर स्मरण करते हैं उनका नाम मैं बड़े डायरी में लिखता हूँ। कौन से डायरी में लिखता हूँ, बड़े। तो आप तैयार है अपना नाम लिखवाने के लिए राम के डायरी में, क्यों नहीं, कम से कम इस डायरी में तो आ जाए, अभी कहा दिखाई नहीं देता नाम। हाँ, भगवान कहते जो सदैव मेरा नाम स्मरण करता है या मेरा स्मरण करता है उसका नाम उस बड़े डायरी में है। लेकिन ऐसे कुछ सिलेक्टेड डिवोटीज हैं, बहुत ही गिने चुने भक्त हैं जिनका मैं निरंतर स्मरण करता हूँ, उनका नाम वो छोटे डायरे में होता है। वो सुन के ही मूर्छित होकर गिर पड़ता है। मतलब हनुमान ऐसे विशेष भक्त है कि जिनका निरंतर भगवान क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। इसलिए मैं सदैव कहता हूँ, हम ये दो महान भक्तों को देखता हूँ तो तत्परता किसको कहते हैं उसका स्मरण आता है। एक है हनुमान जी, महाराष्ट्र में बचपन से ही लोग उस लैंग्वेज में एक पोयम गाते हैं, मतलब संतों का एक श्लोक गाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि भगवान के सामने सदैव गरुड़ हनुमान, उस लैंग्वेज में कहते पुढ़े उभे रहते, मीन्स कि वो सदैव आगे खड़े रहते हैं भगवान के आगे। कभी इन दोनों को लेटे हुए नहीं देखोगे आप, कि उनके सामने आराम से पालथी मार के बैठे मानो वेट कर रहे प्रसाद कब आएगा, बल्कि वो तत्पर है और एक घुटना ऊपर उठा हुआ है, मानो भगवान राम के हृदय में क्या इच्छा आने वाली है उस इच्छा को सूंघ लेते हैं और दौड़कर जाने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे हनुमान बहुत प्रिय है। और इसके बाद युद्धकांड शुरू होता है। युद्धकांड की शुरुआत में ही हनुमान की भगवान प्रशंसा करते हैं। तो ये जानना चाहिए कि हमारे जीवन में सदैव भक्तों की प्रशंसा अपने जिह्वा से निकलनी चाहिए।
जितने अधिक भक्तों की प्रशंसा इस जिह्वा से निकलेगी उतना ही हरिनाम हमें सरल हो जाएगा और उतना ही हरिनाम की मधुरता हमें महसूस होगी। हाँ, हरिनाम नहीं तो हमें क्या लगता है, कड़वा लगता है, भगवान का नाम लेना कड़वाहट हो जाता है। इसलिए जो बुद्धिमान भक्त होते हैं वो महान वैष्णव की प्रशंसा करने के लिए अपनी जिह्वा को लगा देते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं अपने भक्तों की प्रशंसा करते हैं। तो भगवान राम और हनुमान की प्रशंसा करने लगे, कहने लगे कि हे हनुमान, देवताओं के लिए भी जो कार्य असंभव था, असाध्य था, दुष्कर था, ऐसा कार्य आपने किया है। तुम्हारे अंदर पवन के समान शक्ति है, गरुड़ के समान शक्ति है। उन्होंने कहा तुम ऐसे महान श्रेष्ठ हो। उन राम कहते हैं कि देखो, समंदर को कोई पार नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तुमने समंदर को पार करके लंका में सीता की खोज करके वापस आ गए हो, तुम महान सेवक हो। तो वहां तीन प्रकार के सेवकों का वर्णन आता है। वो कहते हैं कि पहला सेवक कौन है, जो अपने स्वामी की जो आज्ञा है या स्वामी का जो कार्य है वो बहुत आनंद से और शीघ्रता से कर लेता है, उसको उत्तम पुरुष कहा गया है। कोई भी सेवा को आनंद के साथ और शीघ्रता से करता है तो उत्तम सेवक है। और दूसरा भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति कार्य में जब विघ्न आ जाता है और विघ्न पड़ने के बावजूद भी विलंब लगे लेकिन उस सेवा को कर ही लेता है, वो मध्यम प्रकार का सेवक है। और जो तीसरा सेवक है, भगवान राम कहते हैं कि भगवान या प्रभु या अपने मालिक या गुरु के बताए हुए कार्य से हमेशा बचने का प्रयास करता है, सेवा से बचने का प्रयास करता है। कई बार होता है, हमें याद है शुरुआत के दिनों में सारे मंदिर के भक्त सुबह सुबह मंदिर को झाड़ू लगाते थे, हम सब कुछ करते थे। दिल्ली मंदिर का इतना विशाल स्थान, तो सारे भक्त जप के लिए बैठते थे और जब पता चलता था उसमें से कुछ भक्तों को उठा के ले जाते थे जपा से, तो उसमें से कई सारे हम सब लोग जानबूझ के आग बंद कर लेते थे जप करने का बहाना कि अरे वो सफाई के लिए ना ले जाए हमें। हाँ, तो कई ऐसे सेवक होते हैं जब सेवा का मौका आता है उनको पता है सेवा देने वाला घूम रहा है इधर उधर, वो शायद मुझे ना देख ले तो कुछ ना कुछ ध्यान पूर्वक जप करने का बहाना करेंगे या कुछ विशेष कुछ और कार्य करने का दिखावा करेंगे। तो ऐसे सेवक को राम कहते हैं, वो निम्न कोटि का सेवक है, उसको कहते हैं दुस्सेवक है वो। हाँ, ऐसा वो दुस्सेवक है। तो ऐसे हनुमान बहुत ही श्रेष्ठ है। हनुमान को कहते कि आपके प्रत्युपकार को मैं भूल नहीं सकता, हे हनुमान मेरे पास देने के लिए नहीं है। तो ये फिर हनुमान का आलिंगन करते हैं, जैसे हनुमान को हृदय में लगाया तो बहुत ही आनंद की अनुभूति करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं हनुमान। तो हनुमान को पूछते हैं, हनुमान को पूछते कि हनुमान मुझे बताओ कि ये जो हमारी सेना है वो समंदर को कैसे पार कर सकती है। तो हनुमान थोड़े से चुप हो जाते हैं, बल्कि राम भी सोचते कि कैसे ये सेना पार हो जाएगी, और सुग्रीव को भी पूछते, सुग्रीव भी दुखी हो जाते हैं। हाँ हाँ, सुग्रीव कहते देखिए हे प्रभु, आप क्यों दुखी हो रहे हो, आप एक साधारण व्यक्ति के भांति दुखी हो रहे हो, आपको सदैव उत्साहित रहना चाहिए। जो लीडर होता है, नायक होता है, चाहे कौन सी भी स्थिति या परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितना भी दुख का वातावरण क्यों ना हो, उसको सदैव क्या होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए। और जब जो एक व्यक्ति उत्साही रहता है तो उसका जो शत्रु इस व्यक्ति को देखता है कि उत्साही है, तो उसके उत्साह से ही शत्रु भयभीत होने लगता है, भयभीत होकर शत्रु अनुत्साहित हो जाता है। इस प्रकार से राम सोच फिर उत्साहित हो गए सुग्रीव की बोल से, और फिर राम सोचते कि कैसे मैं इस महान बड़े समंदर को पार कर सकता हूँ। तो समंदर को मार्ग, समंदर को प्रार्थना करने के बारे में भगवान राम ने सोचा, बल्कि वो भगवान है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए इस राम लीला में कि भगवान राम शुद्ध नर लीला कर रहे हैं।
एक मनुष्य की लीला वो कर रहे हैं, अन्यथा समंदर को पार करना उनके लिए दुष्कर नहीं है, वो सरलता से पार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, पार होने के लिए वो सोचते हैं कि जो वरुण देव है या समुद्र है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा और ये समुद्र मुझे यदि मार्ग नहीं देगा तो अग्नि बांध के द्वारा मैं उसको सुखा दूंगा या फिर पुल बांध के मैं चला जाऊंगा। तो यह हनुमान, फिर हनुमान के गले में हाथ डालते उसको कहते हैं कि हनुमान तुम बताओ कि लंका में कितने किले हैं, कितनी सेना है, कितना बड़ा नगर है, कितने सारे राक्षस हैं। तो हनुमान लगभग एक अध्याय लंबा वर्णन करते हैं लंका का। हनुमान लंका के विस्तृत या ऐश्वर्य वैभव आदि का वर्णन करने लगते हैं और फिर वो कहते हैं विलंब क्यों, हमें शीघ्रता से निकलना चाहिए। बल्कि सीता देवी ने हनुमान को कहा था कि ये हनुमान तुम जब वापस जाओगे, प्रभु राम को प्रणाम करोगे तो साथ ही साथ लक्ष्मण को भी प्रणाम करना, और ये प्रणाम मेरी ओर से है। ये प्रणाम मेरी ओर से है क्योंकि मैं उनके प्रति बहुत कटु वाक्यों का बोली हूँ, कटु वचन कहे हैं। तो ऐसे हनुमान जब आए थे तो उन्होंने राम को ये जब वृत्तांत सुना रहे थे, चूड़ामणि दे रहे थे, उस समय लक्ष्मण को भी प्रणाम किया था और लक्ष्मण को भी कहा था कि सीता माता इस प्रकार से कही है। तो उस समय भी राम कहे थे कि अभी विलंब नहीं करना चाहिए, हमें सीता को लाने के लिए शीघ्रता से जाना चाहिए। तो आचार्यगण कहते क्यों ऐसा बोला राम ने, विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षमा एक प्रकार से अपराध की क्षमा याचना सीता देवी ने किए थे, वो साक्षात वहां नहीं थे लेकिन फिर भी उनको ये हृदय में लगा कि मुझसे इस प्रकार के मैंने कटु वचन किए हैं, आप कहे हैं या अपराध मुझसे हुआ है। तो ऐसा कहकर भगवान राम सभी को निवेदन करते हैं या आदेश देते हैं सुग्रीव आदि को, और वो कहते हैं कि है नील, नील को सबसे आगे, क्योंकि नील उनका सेनापति था वानर सेना का सुग्रीव के यहाँ। कहते कि है नील अभी हम यहाँ से निकल पड़ते, कर्नाटक से वो पूरा रामेश्वरम तक निकलते उनकी ये जो यात्रा है। तो अभी भगवान किष्किंधा में था जो कर्नाटक के पास वो स्थान है, तो वहां से राम कहते कि नील तुम आगे चलो और सारी वानर सेना आपके पीछे पीछे चलेगी और हम सब आपके पीछे चले आएंगे, लेकिन ऐसे स्थान से चलो जहां बहुत सारा जल अवेलेबल हो सबके लिए पीने के लिए और बहुत सारे फल आदि हो रास्ते में, मीठा जल आदि होना चाहिए। तो फिर वानर सेना निकल पड़ती है। तो वाल्मीकि मुनि कहते कि वानर सेना किष्किंधा से जब निकली और वो एक साथ अपने चरण डाल रहे थे, उसको कहते पादाघात हो रहा था, मतलब एक साथ लाखों करोड़ों अब्जावधि जिनकी गिनती नहीं है। बल्कि आगे चल के वर्णन आता है कि ये रावण अपने एक शुक और सारन, ये उड़ने वाले जो राक्षसी थे, उनको भेजा था कि जाओ काउंट करके आओ कितनी इनकी सेना है। तो ये जाते और वो कहते हैं कि समंदर की लहरें काउंट की जा सकती हैं और मिट्टी के कण काउंट किए जा सकते हैं। ब्रह्मा जो आदि बुद्धिमान चार दिमाग वाला है वो भी उस वानर सेना को काउंट नहीं कर सकता। ये सुन के वो रावण आश्चर्यचकित होता है। तो मानो ये असंख्य, एक बार मतलब आचार्यगण कहते हैं कि असंख्य ये जो संख्या है इसको कैसे काउंट किया जाता है। हम कहते हैं ना कि अनलिमिटेड है, काउंटलेस है। तो आचार्यगण कहते हैं एक के ऊपर जब आप 17 जीरो लगाते हो, कितने जीरो लगाते हो और उसको काउंट करने का प्रयास करते हो, आप काउंट नहीं कर सकते, उसको कहते हैं असंख्य है। 17 जीरो लगाओ, पता नहीं कितने हैं वो। तो इस प्रकार से काउंटलेस जो वानर थे, और देखो कितने उत्साहित हैं, उनको मानो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले थे राम की सेवा करने की। इसलिए मैंने कहा था कि सेवा है एक भक्त का धन होता है। इसलिए तो भक्त लोग सुबह उठते हैं और तुलसी महारानी के पास याचना करते हैं,
क्या याचना करते हैं? सेवा अधिकार दियो करो निज दासी, कि आप हमें सेवा प्रदान कीजिए, क्योंकि सेवा से ही भक्त को पहचाना जाता है या काउंट किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी वानर सेना राम की सेवा में लग जाती है और इतने वो उत्साही हो गए, चले एक साथ। वहां वाल्मीकि कहते हैं कि जब उन्होंने एक साथ निकले और अपना कदम डाला तो गुफाएं आवाज करने लगी, और कहते उनका इतना घोर हुंकार हो रहा था कि आकाश और सारे वानरों की आवाज उनसे व्याप्त हो गया था। और रास्ते में ये नाचते हुए कूदते हुए निकल रहे थे, कोई उछल जाते थे, कोई फल खाते थे, एक दूसरे पर फल फेंक देते थे, और कोई अपनी पूंछ हिलाते हिलाते जा रहा था और अपनी पूंछ से दूसरों को तंग करते हुए जा रहा था। मतलब पूरा आनंद उठाते हुए राम की सेवा के लिए सारे वानर सेना निकले, और वो बीच बीच में बोलते थे, कहते कि राम, जो नील आगे निकला था उसके बाद ये राम आदि निकले, हनुमान, सुग्रीव, और वो सारे वानर बीच बीच में एक एक राम के पास जाता था, कहता था राम, हे राम, मैं राक्षसों का वध करूंगा और रावण को भी मारूंगा। हे छोटा सा हनुमान, नहीं, ये बीच बीच में इनको क्या वो आ जाता था हृदय में, वो राम के पास जाते थे। अभी राम तो कई बार राम इनके कंधे में बैठ जाते थे हनुमान के और चलते थे। तो ये जो वानर है कूद के उनके कान के अंदर ऐसे कहेगा कि मैं राक्षसों को मारूंगा और रावण को भी मार डालूंगा, मतलब इतना उत्साह, इसको कहते उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तना। पूरा जो उपदेश अमृत है जिसकी शिक्षा किसको लागू होती है? वानरों को लागू होती है। और हमारा जीवन चला जाता है वाचो वेगम, उसमें अटक जाते हैं हम। वाणी के वेग को कंट्रोल करो, जिह्वा के वेग को कंट्रोल करो, बाकी तो भूल ही जाओ। हाँ, तो वानर इतने आगे हैं भक्ति में हमसे। तो ऐसी वानर सेना निकली, वो निकली तो कहते हैं कि पृथ्वी उनके भार से, उनके पादाघात से डोलने लगी, और सारे जो पहाड़ हैं वो कंपन करने लगे। फिर भगवान राम रामेश्वर के वहां जो भी वो स्थान है, महेंद्र पर्वत के पास पहुंचते हैं, और उस महेंद्र पर्वत के ऊपर जाते हैं और समंदर का अवलोकन करते हैं, और समंदर के तट पर वहां उस पर्वत से वो अवलोकन करते हैं, और सुग्रीव को कहते हैं कि ये उचित स्थान है जहां सारी सेना को हमें रुकाना होगा। और फिर भगवान राम लक्ष्मण को संबोधित करते हैं, वो कहते कि हे लक्ष्मण, जिस प्रकार से ये समंदर असीम है, मतलब सीमा नहीं है, उसी प्रकार से मेरे जीवन में दुख भी क्या है? समंदर के समान विशाल है। हाँ, तो इस प्रकार से राम फिर से शोक करने लगते हैं। राम शोक में दुख के सागर में डूबने लगते हैं। वाल्मीकि मुनि कहते हैं राम जब सुख दुख के सागर में डूब रहे थे, उसी समय सूर्य भी पश्चिम दिशा में डूब रहा था। तो इस प्रकार से राम उस रात्रि को वहां निवास करते हैं, और फिर ये जो रावण है अपने मंत्रियों को बुलाता है, सारे मंत्रियों को बुलाता है, चर्चा करने लगता है कि देखो एक वानर अंदर आया था लंका के अंदर, जिसके आने मात्र से सब लंका में त्राही त्राही मच गए थे, और वो वानर अभी राम को लेके तट पर आया है उस तरफ, तो हमें क्या करना चाहिए कि वो लंका में प्रवेश ना कर पाए? हे सारे मंत्रियों, आप उपाय बताइए। तो सारे मंत्री थे, तो वहां वर्णन करते मंत्री नहीं थे, मूर्ख मंत्री थे। कई बार कहा जाता है ना मुख्यमंत्री थे, तो वहां आचार्य कहते मुख्यमंत्री एक भी नहीं था, सब क्या थे? मूर्ख मंत्री थे। वो मूर्ख मंत्रियों ने उनको कहा, मूर्ख मंत्री बल्कि रावण को ही उसका अहंकार घमंड हम बढ़ा रहे थे। वो कहते हैं कि आपके पास तो दिव्य अस्त्र है, आप तो देवताओं के लिए अजय है, कुबेर के गर्व को अपने चूर चूर करके उसका विमान, पुष्पक विमान लेके आए हो, मई दानव की ख्याति नष्ट करके उसकी जो पुत्री है मंदोदरी उससे तुमने विवाह कर लिया है, यमराज को आजकल जेल में बंद करके रखा है,
वरुण तो आपको देख के वैसे कांपते रहता है, इंद्र के गर्व को तोड़ा है, शिवजी भी नीचे देखते हैं, और अग्नि का जो ताप है वो भी आपने नष्ट कर दिया है। तो ये मानव राम क्या है आपके सामने? और ये मानव को तो आप भक्षी है, मानव को तो आप आप तो मानव भक्षी हो, मानव को तो खाते हो, आपके सामने उस राम का जीवित रहना संभव नहीं है। और वो मंत्री कहते हैं ये जो आपका पुत्र है ना, ये इंद्रजीत वही कापी है उस राम के लिए, आप चिंता मत करो। तो फिर एक एक रावण जो राक्षस है, रावण के सामने आता था, अपनी छाती ऐसे तान लेता था और वो कहता था कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं, उन राजकुमारों की हत्या कर दूंगा। उस राजकुमारों को मारकर इस पृथ्वी में वानरों का नामो निशान मिटा दूंगा। ऐसे ऐसे राक्षस एक एक रावण के सामने आता था और वो बोल के जाता था, राजकुमार आता था वो बोल के जाता था। लेकिन विभीषण बुद्धिमान थे, कहते हैं आपको इतना उतावला नहीं होना चाहिए, दूसरों को कभी कमजोर नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने कहा आप सब बैठ जाओ, अभी बहुत बोले हैं। कहते राम के बारे में जानते क्या हो आप? जो शिव धनुष बड़े बड़े आसुर राक्षस गंधर्व देवतागण ने उठा पाए, उस राम ने उसको तोड़ डाला। इस प्रकार से राम के बहुत महिमा का गान करने लगते हैं और वो कहते हैं कि राम की कृपा से जो वायुपुत्र एक बंदर नहर को लांगे, उस प्रकार से उस समंदर को लांग कर यहाँ आ गया है। हाँ, वो कहते राम यहाँ आने से पूर्व, राम का बाण यहाँ गिरने से पूर्व आप क्या करो, सीता को वापस दे दो, क्योंकि सदैव धर्म की ही विजय होती है। और हे भ्राता, ये दुर्व्यसन है, तो उसमें कई प्रकार के व्यसनों का वर्णन आता है। पर स्त्री की इच्छा रखना यह भी एक दुर्व्यसन है, शास्त्र कहते हैं। तो कहते हैं ऐसा व्यसन से धर्म की बाधा होती है और आपको दुख ही भोगना पड़ेगा, ऐसे उन्होंने कहा। और ये बोलकर, ये सुना रावण ने, रावण को अच्छा नहीं लगा विभीषण की वार्ता, वो अंतपुर में चला जाता है। और अगले दिन फिर विभीषण से मिलता है, विभीषण फिर से उनको प्रणाम करते हैं और विभीषण कहते तुमने जिस दिन से सीता को लाए थे लंका में, उसी दिन से लंका में सारे अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, अच्छा है कि सीता को वापस दे दो, अभी भी समय है। राम जैसा नीतिमान, राम जैसा करुणा निधान, राम जैसे दयालु इस संसार में कोई नहीं, आप उनको वापस दे दीजिए, ऐसा वो बोल रहे थे विभीषण। लेकिन रावण ने कहा कि मैं सीता को कभी वापस नहीं करूंगा और युद्ध करूंगा ही करूंगा उस राम के साथ। तो उस समय एक मंत्री आता है, कहते अभी अभी कुंभकर्ण उठा है, क्योंकि कुंभकर्ण एक दिन के लिए उठता था साल में, एक या दो दिन के लिए कभी कभी उठ जाते थे, फिर से पूरा भोजन खा के फिर से शयन कक्ष में जाते थे। वाल्मीकि कहते उनका शयन कक्ष में मानो पाताल लोक हो, वो नीचे जाके सो जाते थे। तो जब वो उठे थे कुंभकर्ण उनको मिलते हैं और सब कुछ बोलते हैं कि हे कुंभकर्ण, मैंने सीता का हरण किया है। जैसे ये सुना, कुंभकर्ण कहता है तुमने धोखा दिया है, तुम नीति को भूल गए हो। जिस दिन तुमने सीता का अपहरण किया है उसी दिन क्या होगा, उसी दिन से मानो लंका का सर्वनाश प्रारंभ हो गया है और आप बाणों से नहीं बचोगे, ऐसा बोल के कुंभकर्ण सोने के लिए चले गए। कहते अभी जा रहा हूं सोने के लिए। तो इस प्रकार से रावण को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। फिर रावण के एक मंत्री थे महापार्श्व, कहते हैं कि सीता के साथ बलपूर्वक अब रति क्रीड़ा करो। तो कहते नहीं, वो संभव नहीं है। मैं ब्रह्मा की सभा में गया था एक बार, वहां पुंजक स्थली नामक एक अप्सरा को मैंने देखा था, जिसको देखकर वासना से प्रेरित होकर उसके साथ मैंने बलपूर्वक असंग करने का प्रयास किया या संग किया। तो ब्रह्मा ने मुझे देखा और ब्रह्मा क्रुद्ध हो गए और ब्रह्मा ने कहा तुम यदि स्त्रियों को आदर दिए बिना
उनके साथ बलपूर्वक उनका संग करने का प्रयास करोगे, ऐसा अनुचित व्यवहार करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए रावण कहता है मैं कभी भी किसी स्त्री के प्रति बलपूर्वक बल का उपयोग नहीं करता हूं। तो फिर विभीषण डांटते हैं, विभीषण कहते हैं तुम्हारा ये पुत्र इंद्रजीत बहुत बोलता है, वो अपने पराक्रम का सदा परिचय देता रहता है। तो उन्होंने कहा कि इंद्रजीत को बड़ा घमंड हो गया है और ये इंद्रजीत आपका पुत्र नहीं है, ये इंद्रजीत पुत्र नहीं है, इंद्रजीत क्या है, आपका शत्रु है, ऐसा बोलते हैं। तो रावण को बहुत गुस्सा आता है। रावण कहता है कि तुम तो मेरे यहाँ रह रहे हो, मेरा यहाँ खा रहे हो, लेकिन मानो ऐसा लगता है कि तुम शत्रु के साथ निवास करते हो, और आपके साथ रहना मतलब एक सर्प के साथ रहना, घर में तुम सांप के समान हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। सांप को कितना भी दूध पिलाओ लेकिन एक दिन वो सांप क्या कर सकता है, काट सकता है। ऐसे कठोर वचन विभीषण को उन्होंने बोले और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ मत रहो, तुम क्या करो, तुम मेरे अनुज हो, छोटे भ्राता हो, इसलिए तुम्हें मार नहीं रहा हूं। कहते वो कुंभकर्ण तो गया सोने के लिए, ये दोनों की बातें जब हो रही थी, कहते कुंभकर्ण तो जब सोने के लिए चला गया, फिर भी विभीषण उनको और परामर्श देने लगे। कहते उचित तो मैं कह रहा हूं, मेरी क्या गलती है, जब सही बोलने वाला कोई व्यक्ति होता है तो जो दुष्चरित्र वाला व्यक्ति है उसके उसको उसकी वाणी अत्यंत कठोर लगती है, मानो बाण से उदय उसके हृदय का छेदन हो रहा हो। उन्होंने कहा वो जो राम है वो ईश्वर है, अब वो विष्णु ही है साक्षात, जो दशरथ नंदन के रूप में प्रकट हो गए हैं। रावण को क्रोध आया, जैसे बोला राम ईश्वर है, उन्होंने कहते क्या ये राम कैसे ईश्वर हो सकता है, उसको तो घर से बाहर निकाल दिया है राज्य से, उसके खाने के लिए कुछ नहीं, वो बेचारा कंदमूल खाता है जंगल में राम, और उसके पास लड़ाई करने का शक्ति सामर्थ्य नहीं है, वो वानर और सुग्रीव की सहायता लेकर मेरे साथ युद्ध करने के लिए आया है, वो तो एक साधारण मानव है, और आप कहते को वो भगवान है, वो ईश्वर है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, रावण कठोर शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो रावण ने देखा कि ये बहुत बोल रहा है मेरे विपरीत, तो रावण ने अपनी तलवार निकाली और मारने के लिए उनको प्रवृत्त हो गया। इतना रावण को गुस्सा आ रहा था, लेकिन रावण ने क्या किया, अपना पांव ऊपर उठाया और विभीषण के छाती में एक पादाघात कठोरता से एक पांव मार दिया, और मानो उन्होंने अपने विनाश को बहुत जल्द ही क्या कर दिया था, आमंत्रित किया था, भक्त के ऊपर पादाघात किया था। हंदी निंदंती वही दृष्टि, कहते हैं हाथ उठाना भक्तों के ऊपर ये सबसे बड़ा अपराध है। तो इस प्रकार से उन्होंने मृत्यु को ही वास्तव में आमंत्रित किया था और उनको कहा तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरे राज्य से तुम्हें निष्कासित कर रहा हूँ, जहाँ तुम जा सकते हो वहाँ चले जाओ। तो फिर जो विभीषण है अपने थोड़े साथियों को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं और उनको कहते हैं कि तुम तो पूर्ण रूपेण कामातुर हो गए हो, काम के वशीभूत हो गए हो तुम, और तुम सारे पापों का भंडार हो, और ऐसी क्रूरता के कारण तुम्हें मृत्यु को तुम मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो। विभीषण कहते मैं अभी राम की शरण में जाऊंगा, मरोगे तब तुम्हें मेरा स्मरण आएगा कि कोई आपका हितैषी था तो एक ही भाई था। तो ऐसा कहकर जो विभीषण है वो निकल पड़ते हैं अपनी माता के यहाँ, और उनकी माता के पास भी जाकर वो बोलते हैं, और माता कहती हैं कि ये उचित नहीं है, मैं जानती हूँ कि इसका वध राम के हाथों से ही होने वाला है, क्योंकि रावण की माँ ने विभीषण को कहा कि हे विभीषण तुम्हारे पिता ने भी कहा था कि रघुकुल में भगवान विष्णु अवतरित होने वाले हैं और जिनके हाथों से रावण की मृत्यु है। तो ऐसे माँ से आशीर्वाद लेकर कहा कि मैं राम की शरण ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। तो विभीषण लंका को छोड़ते हैं और उड़कर कुछ चार अपने साथियों को अपने साथ लेकर निकल पड़ते हैं राम को मिलने के लिए।
तो अगला जो वृत्तांत है, किस प्रकार से विभीषण राम को मिलते हैं उसका वर्णन, और अगली जो कथा है जिसका वर्णन हम कल करेंगे, कल के अंतिम सत्र में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ भगवान राम प्रमुख आसुरों का वध करते हैं और फाइनली अयोध्या वापस आते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, रामायण महाकाव्य के, वाल्मीकि महामुनि के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, अयोध्या धाम के, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।